सो वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो सेशन है वो है एस्ट्रो न्यूमेरो के ऊपर, या हम कहें न्यूमेरो एस्ट्रो के ऊपर। किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी कंबाइंड हमारे लाइफ के ऊपर में इम्पैक्ट करती है। एस्ट्रोलॉजी तो करती ही करती है, आप सभी को पता है, न्यूमरोलॉजी भी करती है, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा या खुद भी आप लोग प्रैक्टिस करते होंगे कई सारे लोग। तो वो किस तरीके से हमारे लाइफ के ऊपर में इम्पैक्ट करता है, वो हम चीजें यहाँ पर देखने वाले हैं। हमारा जो सेशन होगा तकरीबन तकरीबन अगले 1 घंटे का होगा, और इसे 1 घंटे के दौरान हम काफी सारी चीजों को एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी कंबाइन करके हम चीजों को देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से क्या चीजें होती है। बहुत बेसिक तौर पर मैं चीजों को सिखाने या बताने की आपको कोशिश करूंगा। और सेशन के दौरान मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने वीडियो कॉल रखिए और अपने आपको म्यूट रखिए, अपने माइक को म्यूट रखिए, ताकि कोई बैकग्राउंड नॉइज ना हो। और जो भी आपके प्रश्न होंगे उसको आप नोट कर लीजिए, या जो भी आप सीख रहे हैं उसको आप नोट कर लीजिए, बाद में आपके काम आ सकता है। और सेशन के बाद में अगर आपके कोई भी डाउट होंगे तो उसको मैं कुछ क्वेश्चन आंसर के दौरान मैं लेने की कोशिश करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन, गोइंग डाउन टू लॉर्ड गणेशा, वी स्टार्ट दिस सेशन। आप में से बड़े सारे लोग मुझे जानते ही होंगे, सो दिस मी, माय नेम इज आनंद, आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर। इसके अलावा मैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड ऑकल्ट के फील्ड में भी काफी सारे सब्जेक्ट पर मैं काम करता हूँ। आप में से ज्यादातर लोग आई बिलीव मुझे जानते ही होंगे। सो एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू आस्क अबाउट मी, कुछ पूछना है मेरे बारे में, सेशन के बारे में किसी को भी, एनीवन? नो सर। नो सर, ओके, थैंक यू सर। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोग आप लोग जानते ही होंगे। राइट, सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि थिंक बिटवीन एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी। अब एस्ट्रोलॉजी एक सब्जेक्ट है, न्यूमरोलॉजी एक सब्जेक्ट है। इसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिस तरीके से बताया कि इसको आप इस तरीके से मानिए कि शिव एंड शक्ति है, राइट? शिव एंड शक्ति मतलब आप भगवान शिव और माता शक्ति, या जिसको आप पार्वती कहते हैं, इस तरीके से आप कह लीजिए। जब आप इन दोनों को एक साथ में कर देते हैं, देन वो सृष्टि को रिप्रेजेंट करना चालू कर देता है। तो ये मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया, ऐसा कुछ इन पर्टिकुलर नहीं है। तो जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, महासागर है। और अगर वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो शायद किसी को भी पूरी तरीके से एस्ट्रोलॉजी तो नहीं आती, ठीक है। हम एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज मुझे प्रैक्टिस करते हो तकरीबन शायद 8 साल हो गया होगा, राइट, या 9 साल। तो या आप में से बड़े सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्या हमें सब कुछ एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता है इतने साल प्रैक्टिस करने के बाद भी? नो, किसी को भी नहीं पता होगा, क्योंकि ये एक इतनी बड़ी सब्जेक्ट है जिसमें कि कोई कहता है कि 5 लाख कॉम्बिनेशन है, कोई कहता है 4 लाख कॉम्बिनेशन है, और इतने सारे कॉम्बिनेशन के पीछे ये याद रखना संभव ही नहीं है। और ये खुद में ही अपना एक रिसर्च का पार्ट। दूसरा पार्ट आ जाता है न्यूमरोलॉजी का। सो न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करें तो न्यूमरोलॉजी में भी अलग अलग स्ट्रेन्स है, राइट? कबाला सिस्टम आप कह लो, पाइथागोरस कह लो, शैगियन कह लो, कौन सा फॉलो करेंगे, फॉलो कोई भी करिए, रिजल्ट मिलने से मतलब है। न्यूमरोलॉजी की बात अगर हम करें तो न्यूमरोलॉजी इट्स लाइक अ लेमिनेट, ठीक है, आसान है, कॉम्बिनेशन काफी कम है। और आज के समय में अगर हम देखें तो हम नंबर्स की दुनिया से घिरे हुए हैं, पैन कार्ड से लेकर के वोटर आईडी कार्ड से लेकर के, कौन सा नंबर नहीं है, हमारा मोबाइल फोन नंबर है ना। और अब तो खैर इंडिया की अगर हम बात करें, वर्ल्ड वाइड तो इतना ज्यादा नहीं, बट इंडिया की बात करें तो डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ओटीपी वगैरह आ रही है, तो सब कुछ कहीं ना कहीं हम लोग नंबर से ही जुड़े हुए हैं, है ना। हर जगह नंबर 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 नंबर, तो नंबर हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। ओके, एक मूवी आई थी कुछ कुछ समय पहले, आई थिंक लास्ट ईयर या समथिंग, शायद आप लोगों ने भी देखी होगी, कागज, राइट? शायद वेब सीरीज में आई थी या किसी मूवी थी आई थी। तो कहने का मतलब ये है कि आपका, आप जिंदा है इसका प्रमाण क्या है? कोई एक नंबर, राइट? राशन कार्ड नंबर या वोटर आईडी कार्ड नंबर या पासपोर्ट नंबर, है ना। मतलब वही चीज उस मूवी में दिखाई गई थी, नंबर्स की दुनिया, राइट? नंबर किस तरीके से हमें इम्पैक्ट करता है। तो आप में से बड़े सारे लोग न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और आपको पता भी होगा न्यूमरोलॉजी क्या है। आप में से बड़े सारे लोग एस्ट्रोलॉजी भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे या दोनों भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया तो है ही, राइट? बचपन से हम लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में सुनते हुए आ रहे हैं। न्यूमरोलॉजी कुछ सालों से फेमस हो गया, ठीक है, ऑल दो बहुत सारे लोग काफी समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जिसमें कि हम कहीं ना कहीं प्लैनेट्स एंड स्टार्स दोनों को हम कंबाइन करके हम चीजों को देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं ना, तो न्यूमरोलॉजी में हम वाइब्रेशंस की बात करते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से हर नंबर किसी न किसी प्लैनेट से जुड़ी हुई है और उससे क्या वाइब्रेशंस निकलती है। ना केवल वो, हमारे जो नाम है, जैसे मेरा नाम है आनंद, आपका नाम कुछ भी जो भी है, राइट? सो हमारे नाम से भी एक पर्टिकुलर तरह की ध्वनि निकलती है, वाइब्रेशन निकलती है। नेम न्यूमरोलॉजी मेरा एक कोर्स है, साइंटिफिक नेम न्यूमरोलॉजी, आप में से कुछ लोगों ने शायद किया होगा, मेरे होंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर।
तो उस कोर्स में भी यही चीज बताया जाता है कि आपको किसी के बारे में बताने के लिए डेट ऑफ बर्थ किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास सिर्फ नाम है ना, तो भी आप बहुत कुछ बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक अल्फाबेट जो है ना, हर एक अल्फाबेट आपका नाम है। जैसे मेरा नाम है आनंद, सो ANAND, मैं पुनीत सर को देख पा रहा हूँ, ठीक है, पुनीत, PUNEET, राइट। विनीता गई जी है तो VINIT। हर एक जो लेटर है ना, हर एक लेटर किसी ना किसी नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और हर एक नंबर किसी न किसी प्लेनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हर एक प्लेनेट ना किसी का दोस्त है या दुश्मन है, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिंपलीफाई करके अगर आपको मैं बताऊं, तो आपका जो नाम को ही अगर मैं कह लूं, सिर्फ नाम के ही मैं अगर बात करूं, तो अगर नाम में जो लेटर्स है, ठीक है, एक लेटर मान लीजिए किसी का नाम पी से स्टार्ट होता है, पी, सो दैट इज नंबर 1। यू उसके बाद में नंबर 6 है, ठीक है। एन नंबर 5 है, सो 8 लॉर्ड सैटर्न, यू नंबर 6 वीनस, ठीक है। तो वीनस और सैटर्न एक साथ में बैठे हुए हैं ना, क्या वो दोनों दोस्त हैं? अगर है तो अच्छे रिजल्ट देंगे, अच्छे नहीं है, ठीक है, तो वो थोड़े से प्रॉब्लम्स देंगे, ठीक है। इसके बाद भी वाइब्रेशंस आती है, साउंड की वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी है, ग्राफ है, ये सब साइंटिफिक नेम का पार्ट आ जाता है। बट कहने का जो मतलब है कि आपके नाम के अंदर भी नंबर घूम रहा है, ठीक है, ना केवल नाम के अंदर नंबर घूम रहा है, बट आपके नाम के अंदर भी प्लेनेट घूम रहा है ना। जैसे मैंने अभी बताया कि हर एक लेटर नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और हर एक नंबर प्लेनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कहने का मतलब आपके नाम में भी एस्ट्रोलॉजी में बहुत चल रही है ना। आपने माइथोलॉजीज में देखा होगा कि भगवान श्री राम का जब नामकरण किया जा रहा था, भगवान श्री कृष्ण का नामकरण किया, किसी का भी नामकरण किया जा रहा था, तो जो गुरु हुआ करते थे उनको देखते थे, उनके शरीर से जो आभा या उनको जो बच्चे को देख करके जो आभा प्रकट होती थी या जो उनको लगता था ना, उसके अनुसार वो नाम देते थे, है ना। क्योंकि उनको पता था कि ये बच्चा आगे चलकर क्या करने वाला, जो भी नाम दिया जाता था ना, उससे उस बच्चे की अपनी एक बनावट हो जाती थी। बनावट यहाँ पर कहने का मतलब है सेलेस्टियल, ठीक है। यहाँ पर बनावट की मैं बात करूँ तो हम बात करें माइंड बॉडी एंड सोल की अलाइनमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो बनती थी। अब मैंने साइंटिफिक नेम कोर्स में कई बार मैंने बताया, किसी का नाम अगर राम है ना, राम अच्छा नाम है बुरा नाम है? कितने लोग बोलेंगे नाम अच्छा है या बुरा है? अच्छा नाम है, और कोई नाम अच्छा अच्छा है बुरा? नाम देखो है। नाम कोई भी अच्छा बुरा नहीं होता, नाम नाम ही होता है, ठीक है। किसके ऊपर वो सूटेबल है ये सही प्रश्न हो सकता है। सो देखो जितने लोगों का नाम राम होता है ना, मैं साइंटिफिक कोर्स में नेम कोर्स में मैं बताता हूँ कि ये जो राम नाम है वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल लेकर के आता है। किसी के नाम के अंदर भी अगर राम आ जाए, ठीक है, परशुराम, ठीक है, तो राम की जो वाइब्रेशन है ना वो अपने आप में थोड़ी स्ट्रगल लेकर के आती है। राम नाम बुरा नहीं है, ठीक है, बट वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल लेकर के आती है। अब वो क्यों स्ट्रगल लेकर के आती है? अगर आप उसके साउंड की फ्रीक्वेंसी को पकड़ेंगे, ठीक है, उसके लेटर की कॉम्बिनेशन को पकड़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा क्यों, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है। किसी के भी नाम में डबल ओ अगर लेटर आ गया, जैसे, ठीक है, ये मैं न्यूमरोलॉजी से नाम के बारे में सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, डबल ओ अगर आ गया, जैसे पूजा, पूनम, वट नॉट, बहुत सारे नाम हो सकते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता हूँ। लेकिन वही कंपनी के नाम में अगर डबल ओ आता है, जैसे गूगल, फेसबुक वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, तो वो बढ़िया है। अब यहाँ पर मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये कि किसी का भी नाम, किसी व्यक्ति का नाम में जो वाइब्रेशंस है और किसी कंपनी के नाम में जो वाइब्रेशन, दोनों में अंतर हो सकता है। चीज एक ही है बट दोनों में अंतर हो सकता है। जब आप हैं तो आप जिंदा है, कंपनी जो है ना वो कोई व्यक्ति नहीं है, है ना, वो एक संगठन है ना, वो एक संगठन। तो हर जगह जब हम नाम के बारे में भी बात करें तो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी दोनों कंबाइंड साथ में काम करती है। जब हमें अगर एस्ट्रोलॉजी अगर आती है, न्यूमरोलॉजी भी अगर आती है, और हम दोनों को कंबाइंड कर देना, तो हमें रिजल्ट ज्यादा बढ़िया हमें मिलना चालू हो जाते हैं। नहीं आती है एस्ट्रोलॉजी कोई बात नहीं, न्यूमरोलॉजी भी अगर आप में से बड़े सारे लोग करते होंगे आपको रिजल्ट मिलता होगा। बट इफ यू नो कि हम एस्ट्रोलॉजी से भी चीजों को हम किस तरीके से देख ले, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आप न्यूमरोलॉजी में देखेंगे आपका बर्थ नंबर कुछ है, डेस्टिनी नंबर कुछ है, और जब आप एस्ट्रोलॉजिकली जाकर के देखोगे तो वो जो प्लेनेट है वो मारक होकर बैठा हो, मतलब कि उसकी पावर कम है, ठीक है। तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार एस्ट्रोलॉजी मुझे कुछ और कह रहा है, न्यूमरोलॉजी कुछ और कह रहा है, करे तो करे क्या, है ना। और ये चीज होती है, अगर आप में से कोई अगर दोनों को फॉलो करता है ना या प्रैक्टिस करता है, तो ऐसी चीजें होती, ऐसी चीजें होती है। तो ये घबराने वाली बात नहीं, ये सिर्फ आपको आपको शो कर रहा है कि आपके पास में क्या चीजें हैं, ठीक है, किसको आपको मजबूत करना है। तो मैं इस अभी जो 1 घंटे का हमारा जो सेशन होगा ना, मैं कुछ कुछ चीजें इसी से रिलेटेड, मैं जो अभी इन सब चीजों को मैंने बोला ना, ठीक है, मैं आपको कुछ टिप्स देने की कोशिश करूंगा या कुछ चीजें सिखाने की कोशिश करूंगा। बाद में भी आप इस वीडियो को 2 बार, 3 बार, 4 बार आप देख सकते हैं,
मतलब वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब में, तो आप इस चीज को देख सकते हैं कि वो किस तरीके से चीजें आपके साथ में काम करती है। अब अगर हम बात करें सबसे पहले न्यूमरोलॉजी की, तो न्यूमरोलॉजी में लोशो ग्रेड होता है जिसके बारे में आपने सुना होगा, 4923578186। ठीक है, ये सभी के सभी जो घर है, हर नंबर किसी न किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे नंबर 4 ये राहु को रिप्रेजेंट करता है, क्या देता है, वेल्थ देता है। नंबर 9 मार्स को रिप्रेजेंट करता है, क्या देता है, फेम देता है। नंबर 2 पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है, कौन है, मून है, चंद्रमा। नंबर 3 जुपिटर है, एक्सटेंडेड फैमिली या फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 5 मरकरी है, फॉर्चून को रिप्रेजेंट करता है, आपको बैलेंस करके रखता है। नंबर 7 की बात करें तो केतु है, चिल्ड्रन क्रिएटिविटी स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 8 की बात करें तो लॉर्ड सैटर्न है, नॉलेज विस्डम इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है, वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 1 करियर को रिप्रेजेंट करता है, लॉर्ड सन है, सूर्य अपॉर्चुनिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, फादर को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 6 की बात करें तो वीनस है, अट्रैक्शन है, लग्जरी है, फ्रेंड्स है, आपकी हस्बैंड या वाइफ, इनको ये रिप्रेजेंट करता है। तो हर नंबर किसी न किसी प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है, और हर प्लेनेट के अपने अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं, ये लोशो ग्रेड है। अब इसमें कॉम्बिनेशन अलग अलग काम करते हैं, आप में से बड़े सारे लोगों ने जो न्यूमरोलॉजी सीखी है आपको पता होगा, जैसे 4922 अगर किसी के भी ग्रेड में आता है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि ये मेंटल प्लेन आपका कंप्लीट हो गया, कहीं ना कहीं आपके दिमाग से आप बेहतर होंगे। 3, 5 एंड 7 किसी का भी कंप्लीट अगर होता है, तीनों के तीनों नंबर अगर आपके लोशो ग्रेड में आ गए, कैसे लोशो ग्रेड बनाते हैं ये भी हम अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल से। ठीक है, तो 3, 5 एंड 7 ऐसे लोग ना दिल से बड़े अच्छे होते हैं, स्पिरिचुअली बहुत अवेकन होते हैं। 8, 1 एंड 6 ये तीनों नंबर अगर किसी के भी लोशो ग्रेड में आ जाए, तो ऐसे लोग प्रैक्टिकल होते हैं, किसी चीज को करने के पीछे 2 बार 3 बार वो सोचेंगे फिर वो करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। फिर अगर हम इस तरीके से देखें तो 4, 3 एंड 8 ये तीनों नंबर अगर किसी के लोशो ग्रेड में आ जाए, ठीक है, तो ऐसे लोग ना बहुत थॉटफुल होते हैं, सोच समझ करके चीजों को करते हैं, ठीक है, बहुत आगे के बारे में सोचते हैं, विजनरी हो जाते हैं। 9, 5 एंड 1 अगर आ जाए तो आपके विल पावर जो है ना वो मजबूत हो जाता है, मतलब एक फाइटर वाली पावर आपके अंदर में आ जाती है कि यू फाइट बैक। ठीक है, 2, 7 एंड 6 अगर किसी का भी आता है तो ऐसे लोग एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हैं, मतलब एक्शन लेने में विश्वास रखते हैं। और इसी का ठीक उल्टा है, अगर ये नंबर्स नहीं है, ठीक है, तो जो चीजें जैसे मैं बता रहा हूँ 4, 3 एंड 8 में क्या थॉटफुल हो जाओगे तो वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। 9, 5 एंड 1 में जैसे मैंने बताया कि आपका आप फाइटर बनोगे, विल पावर आपकी मजबूत हो जाएगी, तो वो अगर नहीं है ये तीनों के तीनों नंबर, तो आप कहीं ना कहीं जैसे आज के बच्चों में आपको देखने को मिलेगा, 9, 5 एंड 1 आज के बच्चों में बहुत कम देखने को मिलता है। हम लोग फॉर्चुनेट है, हम और आप, क्योंकि हमारा जन्म जो है ना 1999 तक, मतलब तो पिछली सदी में हुआ है, राइट, सो बाय डिफॉल्ट हमारे डेट ऑफ बर्थ में ना 1 एंड 9 तो आ ही जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग कुछ हद तक तो लकी है। आज के बच्चों में क्योंकि 2000 वाला पार्ट चल रहा है ना, तो 1 एंड 9 मोस्टली मिसिंग होता है, इसीलिए आज के बच्चों में देखोगे ना कि वो क्रेविंग बहुत ज्यादा है कि मुझे ये चाहिए, बाहर जाकर के खेलना नहीं, उनको प्ले स्टेशन में खेलना है, घर में रहना है, नो फाइटिंग स्पिरिट नहीं, एंड ऑल दैट। ठीक है, आप आज के बच्चों को मार नहीं सकते, मारना दूर की बात है, डांट नहीं सकते, एंड जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ, जब आप छोटे हुआ करते तो आपके साथ में क्या क्या होता था, है ना। तो इस तरीके से करके ना हम देख सकते हैं, उसी तरीके से अगर डायगोनली देखें 4, 5 एंड 6, इसको सक्सेस प्लेन कहा जाता है, मतलब ऐसे लोग, ऐसा नहीं है कि आप अंबानी बन जाओगे, मतलब आपके लाइफ में जो चीजें आनी है, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा अगर आप मेहनत करोगे ना, वो चीजें आसानी से आपको मिल सकती है। उसी तरीके से 2, 5 एंड 8 को भी हम सेकेंड सक्सेस प्लेन हम कहते हैं। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में आप लोगों ने पहले भी मेरे सेशन वगैरह में देखा होगा, या आपको ऑलरेडी पता होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर, ठीक है, धीरे धीरे हम थोड़े डीप होते चले जाएंगे, ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो लिख लीजिएगा, और जब मैं अगर बीच में पूछता हूँ तो आप मुझे बताइएगा। सो देखिए, न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करें ना, इसमें टोटल 5 पिलर्स हैं। कितने पिलर्स हैं? 5। ज्यादातर लोगों से अगर आप देखोगे ना, समझ में आएगा, तो वो कहेंगे 3 पिलर्स हैं। वो 3 पिलर क्या है? वो है आपका बर्थ नंबर, जिसको हम ड्राइवर कहते हैं, डेस्टिनी नंबर, जिसको हम कंडक्टर कहते हैं, और लोग कहेंगे नेम। ठीक है, लेकिन एक्चुअली अगर आप जब इवेल्युएशन में जाते हैं, या सो कॉल्ड हम चार्ट की एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तो 5 चीजें बहुत जरूरी है। वो 5 चीजें क्या है? आपका बर्थ नंबर, ठीक है, बर्थ नंबर हमारा कहाँ से निकलता है? जिस डेट में आपका जन्म हुआ है उसका टोटल, मतलब सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका आज कौन सा तारीख है, 4 तारीख है ना, ठीक है, मान लीजिए अगर आज के दिन में किसी का जन्म हो रहा है, ठीक है, तो 4, तो उसका बर्थ नंबर 4 होगा। अगर 14 को होता ना, तो 1 + 4 = 5, वो उसका बर्थ नंबर हो जाता, जिसको हम सॉरी ड्राइवर नंबर भी कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके डेस्टिनी नंबर है, तो डेस्टिनी नंबर आपके डेस्टिनी को बताता है।
तो टेस्ट नंबर कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ को पूरा ऐड कर दो। सो अगर आज किसी का जन्म हुआ है 4th of December 2022, सो आप ऐड करोगे 4 + 1 + 2 + 2 + 2 + 2, ठीक है, तो टोटल जो भी आएगा 4 ही आएगा अल्टीमेटली, क्योंकि ये एक ऐसा मंथ चल रहा है ना दिसंबर का कि जिसमें कि हर दिन में आपका बर्थ और डेथ नंबर एक ही आएगा। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो खतरनाक भी है जो बच्चे अभी जन्म ले रहे हैं, ठीक है, या तो बहुत अच्छा ही हो जाएगा या तो बहुत बेड़ा गर्क हो जाएगा। सो अगर आप में से कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है आपके पास में, अगर इस महीने में जन्मा किसी बच्चे का नामकरण के लिए अगर केस आता है, सो मेक श्योर आप ज्यादा ध्यान देकर उसको उसकी नेम डिजाइनिंग करें, क्योंकि बर्थ और डेथ नेम दोनों एक ही नंबर आ रहा है, ठीक है। सो ज्यादा ध्यान दीजिएगा, जरूरत पड़े मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है, आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है, बट ज्यादा ध्यान देकर मेरे। सो डेस्ट नंबर मतलब आपके पूरे बर्थ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, मतलब जिस दिन में जन्म हुआ है मंथ एंड ईयर उसका टोटल, ठीक है। उसके बाद में आता है सपोर्टिव सपोर्ट नंबर, जिसको हम कुआ नंबर भी कहते हैं। तो कुआ नंबर ना एक सपोर्ट की तरह है, ये उसी तरीके से है कि जिस तरीके से आप अपने बॉडीगार्ड को लेके चल रहे हो, ठीक है। बॉडीगार्ड ऐसा नहीं है कि बॉडीगार्ड अब साथ में हो तो हर जगह वो लड़ाई करते फिर रहे, ठीक है, लेकिन आप पर कोई खतरा ना है इसलिए वो बैठा हुआ है। उसी तरीके से जिस तरीके से एक डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर का काम क्या है, डॉक्टर हर समय आपके पास में बैठा नहीं होता, लेकिन जब आपकी तबीयत खराब है तो वही आपको बचाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से उसको हम सपोर्ट नंबर कहते हैं, ठीक है, या उसको हम कुआ नंबर भी कहते हैं। और उसके बाद में आता है पर्सनल ईयर, ठीक है, ये सब हम अभी करके देखेंगे, डोंट वरी, मैं आपको एग्जांपल से दिखाऊंगा। फिर पर्सनल ईयर, तो हर साल ना कोई ईयर मतलब पर्सनल ईयर निकल करके आता है, वो बताता है कि इस साल कौन सा प्लैनेट, ये पूरे के पूरे साल कौन सा प्लैनेट आपको गवर्न करने वाला है और वो आपको रिजल्ट देगा। अब पर्सनल ईयर कैलकुलेट करने के ना 3 तरीके बेसिकली है, अलग अलग लोग अलग अलग पद्धति से करते हैं, मैं किसी को भी गलत नहीं कहता, अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से हम करते हैं, बड़ा ही आसान तरीका। उसके बाद में आप देखो बीच में मैंने लिख रखा है क्या चीज, नाउ अब देखो आप जितने लोगों ने अभी तक ज्वाइन किया होगा ना, आप में से मुझे बताइएगा चैट बॉक्स में किसको अपना असली डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, जस्ट जस्ट राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, अपना असली डेट ऑफ बर्थ आपको नहीं पता, कोई है ऐसा? आप चैट बॉक्स में जस्ट यस लिख दीजिए अगर आपको नहीं पता है, या फिर ऐसा है कि आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ और है और डॉक्यूमेंट में आपने कुछ और लिखा है, तो पक्का होगा, होता ही है, कोई भी ऐसा नहीं है, क्या बात है यार, आप लोग को भगवान नहीं भेजा आपको? ओके, अभी आंसर सारा ठीक है। सो देखिए ये मैंने ना वर्ल्ड वाइड देखा हुआ है, सिर्फ मैं मुझे ना ऐसे पहले लगता था कि सिर्फ इंडिया का ही ये प्रॉब्लम है ना, कि लोगों का अपना डेट ऑफ बर्थ मतलब सही से ही नहीं पता, क्योंकि गाँव में पैदा हुए हैं, किसी मतलब घर में ही जन्म हो गया, ऐसा आज भी होता है। बट बाद में ना मैंने जब कंसल्टेशन वर्ल्ड वाइड देना चालू किया तो मुझे मतलब तकरीबन तकरीबन हर विकसित कंट्री की मैं बात करूँ वहां पर मुझे केसेस मिला, क्योंकि अपना एक्चुअल वाला डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, ठीक है। तो क्या उनकी एस्ट्रोलॉजिकल न्यूमरोलॉजिकल पार्ट काम नहीं करती, करती है, ठीक है, उसका भी अपना एक तरीका है जो भी उसमें सिखाता हूँ, आसान सा तरीका, ऐसा कुछ नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। सो देखिए अगर नहीं भी पता है ना, नहीं भी पता है कोई बात नहीं, नहीं भी पता है कोई बात नहीं, मैं सबसे आसान तरीका अभी आपको मैं बताता हूँ, कुछ नहीं पता ना, कुछ नहीं पता कौन सा डेट ऑफ बर्थ है, एक काम करो बंदे से बोलो 1 से लेकर 9 तक कोई एक नंबर बोलो, क्या बोलोगे, 1 से लेकर 9 तक कोई एक नंबर बोलो, जो नंबर बोले उसको बर्थ नंबर मान लो, ठीक है, फिर बोलो 1 से लेकर 9 तक कोई एक नंबर बोलो, जो नंबर बोलेगा उसको डेस्टिनी मान लो, उसके अनुसार आप कैलकुलेशन करके देखो सटीक आएगा। आप बोलोगे सही, ऐसा कैसे, ऐसा ही है, क्यों पता है, क्योंकि जब कोई आपसे कंसल्टेशन ले रहा होता है ना उस समय उसका चंद्रमा एक्टिव होता है। I'm repeating, जिस समय कोई आपसे कंसल्टेशन ले रहा होता है उस समय उसका चंद्रमा एक्टिव होता है, वो वही चीज बुलाएगा जो उसका चंद्रमा उससे बुलाएगा, वो वही चीज बोलेगा जो उसके साथ में कनेक्ट करेगा, ठीक है, उन दोनों के अनुसार। अच्छा इस चीज को ना जस्ट ट्रायल करने के लिए मत करना तो काम नहीं करेगा, उस समय आपका चंद्रमा एक्टिव नहीं होगा ना, ठीक है, स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, क्लाइंट आप सच में आए हो उसको नहीं पता है तो ये काम कर, ठीक है। तो बर्थ एंड डेस्टिनी नंबर ऐसे करके आप चाहो तो मान सकते हो, अगर आपको पहले से पता है तो आप कैलकुलेट कर लेना। और उसके बाद में आता है नाम, तो नाम तो सभी का पता ही है, मैं आपका नाम देख ही पा रहा हूँ यहाँ पर कितने सारे लोगों का क्या क्या नाम है। सो आपका जो नाम है ना वो सबसे बड़ी पावर है, याद रखो, कुछ चीज की जरूरत नहीं है, कुछ चीज की जरूरत नहीं है। साइंटिफिक नेम वाला वाले कोर्स का कोई है क्या यहाँ पे, साइंटिफिक नेम वाला कोर्स किया?
कोई नहीं है अभी कोई नहीं साथ। अच्छा उस ग्रुप सर में मैं रहने ही से हूँ पहले। इंद्राणी। अच्छा हाँ इंद्राणी जी हाँ याद है जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। जी, बिल्कुल याद है, मैं बीच में पढ़ भी रही थी उसको वीडियो ऑन करके। तो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस कोर्स में जो मैंने बताया था इन लोगों को जितने लोगों ने किया था कि आपको डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं है। मैंने डेट ऑफ बर्थ से एनालिसिस ही नहीं सिखाया उसको पूरे कोर्स में, सिर्फ और सिर्फ नाम पर फोकस किया। कुछ चीज की जरूरत नहीं। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ भी नहीं है ना, फिर भी नाम पर सिर्फ फोकस करो, उसके अनुसार एनालिसिस करो, रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसलिए नेम को देखो बीच में रखा गया। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं आप सभी से पूछूं कि आप अपने पिता का डेट ऑफ बर्थ बताओ, अपनी माता जी के डेट ऑफ बर्थ बताओ, ठीक है, अपने साले का बताओ, अपनी साली का बताओ, बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। ठीक है, मैं भी नहीं बता पाऊंगा, राइट? क्यों? मैटर नहीं करता। क्या मैटर करता है? उनका नाम मैटर करता है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने 10 दोस्त का नाम बताओ, तो आप मुझे 20 बता दो, है ना, फटाफट फटाफट फटाफट। क्यों? क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में ना नाम से ही उनको पुकार रहे हैं, इसलिए वो हमारे दिमाग में कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस दोनों में फीडेड ऑलरेडी बैठी हुई है। लेकिन डेट ऑफ बर्थ एक ऐसी चीज है जो कि नहीं है ना, मतलब हमारे दिमाग में नहीं बैठी हुई। हो सकता है हमने कहीं देखा होगा, बट हमारे लिए ज्यादा मैटर नहीं करते, इसलिए हम दिमाग में रखते नहीं। अब कोई बहुत नजदीकी है, बहुत नियर एंड डियर वन है, तो आपने हो सकता है नोट करके रखा होगा, जैसे बीवी के, नहीं तो गिफ्ट नहीं दोगे तो परेशानी हो जाएगी, है ना। अदरवाइज तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, नाम काफी है। तो कहने का मतलब देखो, यहाँ पर नेम को बीच में रखा हुआ है। ऑलवेज रिमेम्बर, आप एस्ट्रोलॉजी करिए, न्यूमरोलॉजी करिए, कुछ भी करिए, ठीक है, सारी चीजें काम करती हैं, बट सबसे बड़ा चीज क्या है? आपका नाम। सो कभी भी जब हम नेम को हम डिजाइन करते हैं, या कोई भी जब नेम को डिजाइन करता है साइंटिफिकली, ठीक है, तो उसमें एस्ट्रोलॉजिकल एंड न्यूमरोलॉजिकल पार्ट दोनों को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, मैं कुछ टिप्स आगे भी मैं आपको दूंगा। अभी तक कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्सनल ईयर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? बड़ा ही आसान तरीका है, आप अपने डेट ऑफ बर्थ को लिखिए। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है 15/12/1995, ठीक है, ये कौन सा साल चल रहा है? 2022, राइट, 2022 चल रहा है। सो आप क्या करेंगे, जो ईयर ऑफ बर्थ है ना, जैसे यहाँ पर 1995 में इनका जन्म हुआ था, जिसका भी ये डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, वो 1995 को हटा करके हमने इस जो जो साल चल रहा है उसको हमने लिख दिया 2022, और फिर हमने इसको ऐड कर दिया। तो देखो 15/12/1995 था, हमने लिखा क्या? 15/12/2022, और इसको पूरा हमने ऐड किया। जो सिंगल डिजिट में नंबर आएगा ना, वही आपका पर्सनल ईयर होगा। अब इनका कितना आया? नंबर 6, है ना, नंबर 6 आया। 6 का मतलब क्या है? वीनस। 6 का मतलब वीनस। इसका मतलब ये जिसका भी होगा ना, इस साल हो सकता है कि वो घूमने फिरने जाएंगे, उनके ना एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, वीनस है ना, अट्रैक्शन। हो सकता है कोई घर बनाए, घर का इंटीरियर वो करे, कहीं घूमने जाए, कहीं फॉरेन लैंड में जाए, है ना, कोई धार्मिक यात्राएं करे, शादी कर ले। शादी करने के लिए सबसे बढ़िया साल है पर्सनल ईयर नंबर 6। कितने लोगों की शादी नहीं हुई है? हु मेरी इज अवेटिंग? डिम्पल जी, आप भी, आपको भी शादी करनी है? कितनी शादियां करोगी आप? सर शादी तो करनी है मुझे भी। करनी है, हाँ सर। मैं लड्डू भिजवा देता हूँ यार, शादी कर भी क्या करूंगा, ऐसे ही खा लो। नहीं सर, शादी करके तो खाने में अच्छा लगेगा। पहले चेक करो, अभी चेक करो कि आपका पर्सनल ईयर क्या चल रहा है। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ पता है? चेक करो पर्सनल ईयर क्या चल रहा है आपका। सर ऐसा कोई ईयर चाहिए मुझे, मैं जिस ईयर मेडिटेशन करूंगी पूरा दुनिया से अलग होके पर्सनल ईयर नंबर 7। शांति से। देखो मेडिटेशन के लिए ऐसा कोई पर्सनल ईयर देख करके मेडिटेशन नहीं होता है, ठीक है, पर्सनल ईयर का मतलब ही होता है कि आप कभी भी स्टार्ट करो जो चीज है, और मेडिटेशन की मेरा अगर हम बात सेवन करें, चल रहा है, मेडिटेशन करिए मेरा सेवन बस है। बस। तो डिंपल जी, आप तो कमा ही रही है। पर्सनल ईयर नंबर 7 का मतलब सेल्फ डेवलपमेंट होता है, तो कुछ चीजें सीखने की कोशिश करिए, कुछ नई चीजें, बुक उठा लीजिए, कुछ नई सीखना ना तो बुक उठा लीजिए, कोई नई बुक खरीदिए, ठीक है, आउट ऑफ योर प्रोफेशन, या आउट ऑफ जो भी आप कर रहे हैं ना, उसके अलग आप कुछ 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 भी बुक उठा लीजिए, कुछ कोर्स नहीं करना ना, कुछ भी बुक उठा लीजिए, बस पढ़ना जरूर करिए, वो सेल्फ डेवलपमेंट में काम में आता है। सेल्फ डेवलपमेंट जरूरी है पर्सनल ईयर नंबर 7 में। क्यों? आने वाला साल क्या होगा? पर्सनल ईयर नंबर 8। स्ट्रगल देगा, दे सकता है, बट वेल्थ भी दे सकता है, पैसा भी दे सकता है। उसके बाद क्या आएगा? पर्सनल ईयर नंबर 9, ठीक है। चलिए, पर्सनल
पर्सनल ईयर सबने कैलकुलेट कर लिया? प्लीज लिखिए चैट बॉक्स में आपका पर्सनल ईयर नंबर क्या चल रहा है, सभी लोग लिखिए। लेट मी सी, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस साल आप क्या करोगे, थोड़े थोड़े करके मैं सबको बता दूंगा। अनुज सर पर्सनल ईयर नंबर वन चल रहा है, पर्सनल ईयर नंबर वन चल रहा है तो वन वालों के लिए अच्छी चीज है, कोई भी नई चीज की शुरुआत कर सकते हैं। पर्सनल ईयर नंबर थ्री जिसका भी चल रहा है, अच्छा साल है आपके लिए, प्रोवाइडेड कि आप नंबर सिक्स वाले ना हो, बट ओवरऑल ग्रोथ का ईयर होता है पर्सनल ईयर नंबर थ्री, लेकिन चीजें थोड़ी डीले से आती है, ठीक है, थोड़ी डिले करके आएंगे आपके लाइफ में। पर्सनल ईयर नंबर नाइन जिसका भी चल रहा है तो बी वेरी केयरफुल अबाउट एक्सीडेंट एंड सर्जरी, ठीक है, आपको चोट लग सकती है, खून निकल सकता है, ठीक है। आप मंगलवार के दिन में हनुमान जी की पूजा करें और मसूर की दाल आप जाकर के गरीबों में दान करें, दवाइयां दान करें, मेडिकल एक्सपेंसिस भी देखो उठा लो। पर्सनल ईयर नंबर सिक्स जिसका भी चल रहा है, अगर शादी नहीं मिल रही शादी कर लो, ठीक है, कोई नहीं मिल रहा है तो मार्केट में निकलो, जरूर मिल जाएगा कोई ना कोई अच्छा सा लड़का या लड़की जो भी। ओके, अपने आप को अपडेट करो, घूमने फिरने जाइए, अच्छा साल है, ठीक है, एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं बट ओवरऑल इट्स गुड, गुड ईयर, ठीक है। पर्सनल ईयर नंबर फोर जिसका भी चल रहा है तो थोड़ी सी स्ट्रगल आएगी, फाइनेंसिस को आप थोड़ा सा बचा के चलिए, बट वैसे भी ये साल एंड होने वाला सर, डोंट वरी। पर्सनल ईयर नंबर फाइव नेक्स्ट आएगा तो बढ़िया है, फिर ये नाश करिए, नाश करिए और क्या, ठीक है। पर्सनल ईयर नंबर एट जिसका भी चल रहा है और अप्स एंड डाउन आ सकता है आपके लाइफ में, ठीक है, फाइनेंसिस को थोड़ा मैनेज करके चलिए, धार्मिक कार्य करिए, ठीक है, बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड योर फादर, कितना बताना पड़ता है। नंबर फाइव जिसका भी चल रहा है अच्छा है, घूमने फिरने के लिए अच्छा है, ठीक है, कोई नई चीज की शुरुआत कर सकते हैं। पर्सनल ईयर नंबर फाइव हमेशा सबके लिए अच्छा ही होता है, ठीक है। जिसका भी टू चल रहा है तो मानसिक रूप से आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए, आपके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो सकता है, ठीक है, माता की आशीर्वाद लीजिए आप, ठीक है, चांदी एक ग्लास में आप पानी पीजिए अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। अब चलिए अब हम बात करते हैं, सबका नाम सबको पता है, सबका नाम सबको पता है, राइट, किसको अपना नाम नहीं पता, जिसको नहीं पता है फिर वो गुमनाम जिंदगी जिएगा। ओके, अब देखिए, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी के अनुसार ना टोटल 27 नक्षत्र होते हैं, कितने नक्षत्र, 27 नक्षत्र, ठीक है, और हर नक्षत्र से रिलेटेड ना एक साउंड की वाइब्रेशन होती है, साउंड की फ्रीक्वेंसी। अगर आपका जन्म जब भी हुआ होगा, अगर आप अपनी कुंडली को उठाओगे ना, तो जिस भी पंडित जी ने बनाया होगा या किसी एस्ट्रोलॉजर ने, उसने ना वहां पर कुछ ना कुछ लेटर्स दिए होंगे कि इससे इसका नाम चालू होना चाहिए, अगर आप उठा के देखोगे तो, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि कौन से नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो भी कोई बात, ठीक है, आपको अपना नाम तो पता है ना, जैसे अभी जैसे मुझे दिखाई पड़ रहा है डिंपल जी, तो इनका नाम किस चीज से स्टार्ट होगा, डी आई से। देखो याद रखो, आपके जोड़िए दो तरह के होते हैं, एक्चुअली तीन तरह के होते हैं, एक मून साइन, एक सन साइन, एक होता है यहाँ पर आपके नाम के अनुसार, बट हम ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपके जो जोड़िए साइन ना, एक जो होता है वो आपके नाम के अनुसार वो सबसे ज्यादा आपके लाइफ में काम कर रहा होता है। क्यों, अभी मैंने बताया ना, आपके डेट ऑफ बर्थ किसी को भी नहीं पता, नाम सबको पता है ना, डे टू डे लाइफ में। अगर मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है तो आप बोलोगे पवन, ब्रेज, इंद्राणी, डिम्पल्स, व्हाटएवर, जो भी आपका नाम है, ठीक है। तो आपके नाम के अनुसार जो राशि चलती है ना, वो आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट दे रही होती है डे टू डे लाइफ, ठीक है। बड़े कामों में आप मून साइन सन साइन आप चेक करिए, ठीक है, बट डे टू डे लाइफ में ये बहुत ज्यादा काम करता है। तो आप चेक करिए यहाँ पर जो चार्ट है, अपन लेफ्ट साइड में इस चीज को चेक करिए कि अब जैसे डिम्पल जी का नाम डी आई से स्टार्ट होगा, तो डी आई वैसे जिद्दी होते हैं डी आई वाले, सही बता रहा हूँ, ये लोग जल्दी सुनते नहीं, ठीक है, बट दे आर बॉर्न लीडर्स, लीडर होते हैं वैसे, बहुत अच्छे। ऑलराइट, सो देखिए डी आई कहाँ पर लिखा हुआ, किस में लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये है कि इनके नाम के अनुसार इनकी राशि क्या होगी डे टू डे लाइफ में, कैंसेरियन, कर्क राशि, ठीक है। तो कभी भी आप डे टू डे लाइफ में किसी मैगजीन में अखबार में आप देखो ना, तो इसको चेक किया करो, वो ज्यादा आपको रिजल्ट देगा डे टू डे लाइफ, ठीक है। मेरी रियल में भी कैंसेरियन ही है, रियल में भी कैंसेरियन है, चार नंबर लगन, हां तो ठीक है ना, इसीलिए आप मूडी हो, इसीलिए जब आप मुझे पहली बार आपने मुझे कॉल किया तो आपको याद होगा आपने क्या किया। सर हर ऐसे वेबिनार में यही बात बोलनी होती है, कुछ अच्छा सर मेरा नीक नेम मैच कर रहा है नक्षत्र से, मगर मेन नेम जो है इंद्राणी वो नहीं मैच करता है। तो इंद्राणी, सो नक्षत्र को छोड़ दीजिए, यहाँ पर नक्षत्र इसलिए क्योंकि आप नक्षत्र को मैच करोगे, क्योंकि यूजुअली लोग ना अपने नाम को नक्षत्र के अनुसार रखते नहीं, ठीक है, कुछ भी आज के समय में तो सीरियल देख करके लोग नाम रखते हैं, है ना, सीरियल में कौन सा नाम अच्छा चल रहा है वो अपने बेबी का नाम रख दो, ठीक है, अपनी जगह पर वो भी सही है, बट साइंटिफिकली अगर रखना चाहें तो आप नक्षत्र को चेक करिए, फिर न्यूमरोलॉजिकली उस चीज को मैच करिए। तो जैसे मान लीजिए कि अब जैसे मैं थी ना बॉर्न कैंसेरियन, ठीक है,
मैं अपने लग्न के अनुसार अगर मैं बात करूं तो मैं कैंसेरियन हूँ, लेकिन लेकिन मेरा जो नाम होना चाहिए ना, जो मेरा नाम होना चाहिए वो ऊ से स्टार्ट होना चाहिए यूजुअली अगर मैं अपने बर्थ के अनुसार चलूँ तो। लेकिन मेरा नाम किससे स्टार्ट हो रहा है? ए से, अ, ए साउंड से स्टार्ट हो रहा है। मेरा जोड़ी साइन क्या है, कौन बताएगा जल्दी बताओ? एरिस। एग्जैक्टली, यहाँ पर देखिए ए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि डे टू डे लाइफ में मुझे एरिस इम्पैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? एरिस। अब देखो कैंसर जो है ना, आगे मैं बताऊंगा इस चीज को, कैंसर जो राशि है वो क्या है, वो वाटर साइन है, वाटरी प्लैनेट नहीं है, वो साइन है, मतलब साइन ज़ोडियक है, ठीक है। एरीज जो है ना वो क्या है? फायरी। आगे दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये फायर है। अब देखो मेरा नाम कैसे स्टार्ट हो रहा है, ए से, राइट, फायर, समझिएगा इस चीज को, ठीक है, धीरे धीरे करके, नहीं समझ में तो पूछेगा मैं बताऊंगा। ए से नाम स्टार्ट हो रहा है जो कि फायर है, और मेरा जो जन्म हुआ है वो वाटर के अनुसार हुआ। फायर वाटर को क्या करेगा, एक दूसरे का दुश्मन है ना, या तो आग पानी को बुझाएगा, मतलब पानी को उड़ा देगा, सॉरी, ठीक है, या तो पानी आग को बुझाएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। तो क्या मेरा नाम ऐसे होना चाहिए? क्या मेरे माता पिता ने सही किया? नो। ठीक है, हो सकता है सही किया, ठीक है, राइट, समझ आ रहे हैं मेरी बात, बेसिक समझ में आ रहा है जी? हाँ, कनेक्ट हो रही है चीजें जी सर। तो मैं बहुत बेसिक करके बता रहा हूँ, आप और अगर इन अंडर में जाओगे ना, मतलब और थोड़ा डीप में अगर जाओगे तो आपको और मजा आना चालू हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरीके से किसी और का नाम लेता हूँ, किसका नाम लो, जैसे वी से विनीता, यहाँ पर विनीता, सो विनीता कहाँ पर आएगा, चेक करिए कौन सी राशि होगी आपकी, टॉरस, 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 ठीक, टॉरस होगी आपकी यहाँ पर, ऑलराइट, ये आपके नाम के अनुसार ये आपको डे टू डे लाइफ में इम्पैक्ट करती है। So always remember this thing, basic तौर पर। यहाँ पर ये मैंने दिया हुआ है कि हर प्लैनेट उसकी क्या एट्रीब्यूट्स होती है, राइट, ये मैं ना ग्रुप में, हमारे जो वेदांकानंद वास्तु ग्रुप है जो टेलीग्राम और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, वहां पर मैं डाल दूंगा, आप लोग बाद में इस चीज को चेक कर लीजिएगा, ठीक है, किस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि साइकिल ऑफ क्रिएशन क्या है, ठीक है। पंच तत्व आपने सुना होगा, पंचभूताज या पंच तत्व सुना होगा सबने, और कौन से होते हैं, पानी, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ठीक है। जल बनाता है वायु को, वायु बनाता है अग्नि को, अग्नि बनाता है पृथ्वी को, पृथ्वी बनाता है आकाश को, आकाश बनाता है जल को, ठीक है। इसके बारे में कई सारे मैंने प्रीवियस सेशंस में मैंने बताया हुआ, एक्सप्लेन किया हुआ कैसे ये चीजें काम करती, ठीक है। ये क्रिएटर है, कोई किसी का बाप है, कोई किसी का बेटा है, और कोई किसी का दुश्मन है, ऑलराइट। अब देखो इसमें अभी हमें नहीं जाना, राइट साइड में देखिए, यहाँ पर मैंने मैंने बनाया हुआ है कि जोडियक साइन, एलिमेंट एंड क्वालिटीज। तो देखो फायर साइन वाले जोडियक कौन कौन से है, अब तो आपको पता चल गया होगा आपका जोडियक साइन क्या है। स्क्रीन ब्लैंक आ रहा है क्या? नो सर, नो सर, ठीक। तो देखो फायर साइन कौन कौन से होते हैं, आप चाहे तो इस चीज को लिख भी सकते हैं, फायर साइन कौन कौन से होते हैं, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, अगर इनको, अगर इनकी अगर हम बात करें तो कैसे है फायर साइन, मतलब अचानक से इनको गुस्सा आ सकता है, जरूरी नहीं बहुत ज्यादा गुस्सा वाले होंगे, बट आ सकता है अचानक से, ठीक है। नीचे में और भी इसके डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं। एयर साइन वाले कौन से हैं, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, मतलब ज्यादा जो उड़ते हो, हम कहते हैं ना ज्यादा उड़ मत, है ना, इसका क्या मतलब होता है सर, इसकी रिकॉर्डिंग डालोगे ग्रुप में? मेरा मन करेगा तो डाल दूंगा, नहीं मन करेगा तो डाल देना, नहीं सर मन करेगा नहीं, आपका रिकॉर्डिंग, ईच रिकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी मैंने क्या बोला कि मेरा मून साइन क्या है, कैंसेरियन, मूडी, इसलिए मेरे मूड का, इसलिए मैंने बोला, सिखा रहा हूँ ना, इसलिए कनेक्ट करना सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अर्थ साइन कौन सी होती है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, ये थोड़े से ना मतलब लिबरल काइंड ऑफ होते हैं, ठीक है। वाटर साइन कौन से, कैंसेरियन, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, ये सारे के सारे वाटर साइन है। अब इनकी यहाँ पर देखो कुछ चीजें मैंने दी हुई, बाद में आप इस चीज को देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग में अगर मैंने अपलोड किया, मेरा मूड किया, ठीक है, आप लोग देख लीजिए, राइट। तो जैसे देखिए यहाँ पर एरीज में क्या लिखा हुआ, कार्डिनल, ठीक है, ये इनकी क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करता है, जहां पर भी कार्डिनल लिखा हुआ है ना, इनकी क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये कैसे होते हैं। तो एरीज वाले देखो ये कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं, ठीक है,
बहुत ज्यादा क्या होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, ये लोग बॉर्न लीडर्स होते हैं, इनकी इनके अंदर में अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होती है, राइट? ठीक है, उसी तरीके से देखो कहीं पर लिखा हुआ फिक्स्ड, फिक्स्ड का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड का मतलब ये होता है ना, इनके ऊपर आप विश्वास कर सकते हो, ठीक है, इनके ऊपर आप विश्वास कर सकते हो, ऐसे करके। फिर उसके बाद में म्यूटेबल की अगर बात करें, यहाँ पर देखो जेमिनाई में, ठीक है, सेजिटेरियस में म्यूटेबल लिखा हुआ, इसका मतलब क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, किसी के साथ में जलप कर जाए, भले ही फायर साइन है जैसे सेजिटेरियस में देखो, बट फिर भी ना ये लोगों के साथ में घुल मिल सकते हैं। उसी तरीके से हर एलिमेंट की भी ना अपनी एक क्वालिटी दिखाई होती है, दिखाई गई है, जैसे फायर साइन है, फायर साइन मतलब ये लोग बहुत पैशनेट होते हैं, कोई भी चीज को करने के लिए इनको बोलना कि चल हम घूम करके आते हैं, नॉर्मल घूमना फिरना तो नॉर्मल सी बात है, तैयार हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक्शन ओरिएंटेड लोग हैं, फायर है ना, राइट? देखो फायर का मतलब हमेशा गुस्से को मत देखना, फायर का मतलब ऐसा मत देखना कि वो इंसान मार देगा काट देगा, जरूरी नहीं। जब आप किसी के प्रति अट्रैक्ट होते हैं ना, वो भी फायर साइन, पता है आपको? हाँ, कई बार मैंने आपको बताया हुआ है कि रास्ते में कोई लड़का जा रहा है, लड़की जा रहा है, आप बोलते हो यार वो लड़की ना कितनी हॉट है, या वो लड़का ना कितना हॉट है, कभी आपने कहा है वो लड़का बड़ा कोल्ड है, वो लड़की बड़ी कोल्ड है? नहीं ना, हम हॉट कहते हैं, कहने का क्या मतलब होता है, क्योंकि जिसके अंदर में फायर एलिमेंट बैलेंस्ड होता है ना, वो दिखने में सुंदर होता है, जिसका फायर बैलेंस्ड नहीं होगा ना, ठीक है, आप उनको देखो मुरझाए हुए ऐसे करके चले। ये जो सब्जेक्ट है ना एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी, इतने बढ़िया है कि अगर आप इसको सही तरीके से सीख लो ना, तो आप चलते फिरते ना एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी करोगे, चलते फिरते, आई एम टेलिंग यू, बंदे को देख करके, ठीक है। कोई बंदा अचानक से मोटा होता जा रहा है, जुपिटर का प्रभाव हो सकता है, सबसे बड़ा प्लैनेट है ना, कोई बहुत ज्यादा जलप हो रहा है किसी के साथ में, मरकरी का प्रभाव हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर क्वालिटीज को अगर हम पकड़ लेना तो बहुत आसान हो जाएगा हमें, हमारे लिए, हम चलते फिरते भी चीजों को समझ सकते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट, एनी डाउट? नो सर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो 12 राशियां होती हैं, आप सभी को पता ही है कौन कौन सी, एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस, राइट? हिंदी में भी नाम यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप सभी लोग पढ़े लिखे लोग, ठीक। और इसके बाद में कौन सा तत्व है इनका, उसको भी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मैंने यहाँ पर लिख रखा है। और यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इनका लॉर्ड कौन है, इनका लॉर्ड काम आता है ना एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में इनके लॉर्ड का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। जैसे एरीज है, इसका लॉर्ड कौन है, मार्स, ठीक है। टॉरस जो है, इसका लॉर्ड कौन है, वीनस। तो इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी में जब भी हम बात करेंगे तो इनके लॉर्ड का अपना एक इंपॉर्टेंस है, जो कि आगे मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा, ठीक है। और हर जो साइन है यहाँ पर, इस चीज को गौर करिए, जैसे एरीज है, एरीज नंबर वन होता है, ठीक है। अगर आप किसी का हॉरोस्कोप में देखेंगे, नंबर वन वहां पर लिखा हुआ भी मैं दिखाऊंगा आपको एग्जाम्पल से, ठीक है, वहां पर नंबर वन लिखा हुआ, इसका मतलब है कि उसकी जो राशि है वो क्या है, एरीज, मतलब राशि मतलब ज़ोडियक साइन नहीं, मतलब उस हाउस की, उस हाउस में, मतलब वो साइन कौन सा, सॉरी नॉट राशि, साइन कौन सा, सर ये इनके फिक्स घर हो गए ना, फिक्स घर हो गए 1-12, फिक्स, ठीक है, फिक्स। अब देखो हॉरोस्कोप की अगर हम बात करें तो कितने घर होते हैं टोटल, 12, ठीक है, राइट। हर एक हाउस किसी ना किसी पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट करता है परमानेंटली फिक्स्ड, ठीक है। किस चीज को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, जस्ट अलाउ मी वन मोमेंट, जैसे फर्स्ट हाउस है, ये जो यहाँ पर नंबर वन लिखा हुआ फर्स्ट हाउस, आप देख सकते हैं, इसको एसेंडेंट भी कहते हैं, इसको लग्न हम हिंदी में कहते हैं, राइट। किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये बताता है कि आपकी बॉडी कैसी है, आप अंदर से कैसे हैं, ठीक है, उस चीज को रिप्रेजेंट करता है, आपके बारे में, आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड हाउस उसके ऊपर में आप यहाँ पर देखिए, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, आपकी वेल्थ कैसी होगी, ठीक है, इनकम आप कितना करोगे, राइट, या आपके इनकम को जो आप सोर्स को इकट्ठा करोगे उस चीज को बताता है, राइट। अब हम हेल्थ के पॉइंट में जाएं तो आपके दांतों को, स्पीच वगैरह को भी रिप्रेजेंट करता है, टीचिंग को रिप्रेजेंट करता है। फिर हम थर्ड हाउस को देखें तो ये आपके यंगर सिबलिंग को बताता है, आपके स्किल्स को ये बताता है, ठीक है, इन सब चीज़ों को आप यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, आप एक चीज को देख लें,
फिर हम फोर्थ हाउस की यहाँ पर बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके माता को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, इमोशनल लाइफ को, आपके जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, कोई आपने जमीन ले लिया, कोई दुकान ले लिया, कोई शॉपिंग मॉल में आपने आपने कोई दुकान ले लिया है, कुछ भी आपने ले लिया, कोई बिजनेस हाउस आपने खरीद लिया, उन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है फोर्थ हाउस। फिफ्थ हाउस जो है आपके बच्चों को रिप्रेजेंट करता है, क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, आपके माइंड को भी रिप्रेजेंट करता है फिफ्थ हाउस, जो कि आप यहाँ पर नीचे देख पा रहे हो। उसी तरीके से जो सिक्स हाउस है ये आपके आपके लाइफ में लिटिगेशंस को, कोर्ट केसेस, लिटिगेशंस, एनिमीज, इवन हेल्थ को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, सिक्स हाउस। फिर हम बात करें सेवेंथ हाउस की, तो ये जो सेवेंथ हाउस है आपके स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, आपके हस्बैंड या वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, या बिजनेस पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है। फॉरेन कंट्री में अगर जाना हो, दूर जाना हो, फॉरेन यहाँ पर कंट्री कहने का मतलब, याद होगा जितने लोगों ने प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स किया वहां पर मैंने बताया कि फॉरेन कंट्री का क्या मतलब होता है। फॉरेन कंट्री का मतलब जरूरी नहीं है कि इंडिया से बाहर, ठीक है, ऐसी जगह जहां पर आपका वेशभूषा, खाना पीना, रहन सहन सब कुछ बदल जाए उसको फॉरेन लैंड कहते हैं, ठीक है। मतलब इंडिया की अगर हम बात करें तो अगर जैसे मैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में रहता हूँ और मैं अगर वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जाता हूँ तो वो भी काइंड ऑफ एक फॉरेन कंट्री की ही तरह काम करता है। ऑल्दो अगर मैं यहाँ पर रहता हूँ और मैं बांग्लादेश चला जाऊँ तो मेरे लिए चीजें ज्यादा बदलेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि वहां पर भी वही बंगाली बोलेंगे, यहाँ पर भी लोग बंगाली बोलते हैं एंड ऑल दैट, तो मिट्टी भी वैसी ही है, ऑलमोस्ट तकरीबन तकरीबन चीजें वही, ठीक है, थोड़ा रिलीजियस पार्ट को छोड़ दिया है तो ऑलमोस्ट चीजें एक ही जैसी है, तो ये चीज याद रखिएगा। फिर एट्थ हाउस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो एट्थ हाउस आपके ससुराल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, एट्थ हाउस जो है, अब जैसे ऑकल्ट आप लोग सीख रहे हैं तो ऑकल्ट में ना जो ये तंत्रा वंत्रा की जो चीजें हैं वो भी कहीं ना कहीं अगर एट्थ हाउस से अगर हम देखें तो वहां से भी रिप्रेजेंट करता है, ऑकल्ट साइंसेस को रिप्रेजेंट करता है, आपके करियर चेंज कुछ भी हो रहा है उस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कुछ भी अचानक से लाइफ में हो रहा है वो भी एट्थ हाउस रिप्रेजेंट करेगा। नाइन्थ हाउस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख रहे हो तो ये कहीं ना कहीं लक का घर होता है, गुरु, आपके अगर कोई स्पिरिचुअल गुरु है, ठीक, खास करके स्पिरिचुअल गुरु की बात करें, वैसे भी गुरु आपके कोई टीचर भी हो सकते हैं, ठीक है, उनको ये रिप्रेजेंट करता है, स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे आप लोग ये सब चीजें सीख रहे हैं अभी या सीखने की कोशिश कर रहे हैं, आपके दिमाग में आया तभी तो आप आए हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका एट्थ एंड नाइन्थ हाउस एक्टिव हुआ है, आपको भेजा है कि जाओ ये जाके वेबिनार अटेंड करो, ठीक है, सीखो, हो सकता है इससे तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं उसका वो एस्पेक्ट होता है। टेंथ हाउस की बात करें तो आपके पिता को रिप्रेजेंट करता है, आपके करियर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, आपके रेपुटेशन, फेम, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। 11th हाउस की अगर हम बात करें तो 11th हाउस जो है ये आपके इनकम का घर होता है, आप क्या जॉब करेंगे इन सब चीजों का घर होता है, एल्डर सिबलिंग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यूजुअली जब हम प्रोफेशन वगैरह चेक करते हैं ना, प्रोफेशन वगैरह मेजरली हम 11th हाउस को देखते ही देखते हैं, वैसे कई सारी चीजों को हम देखते हैं बट 11th हाउस इज द प्राइमरी चीज, ठीक है। फिर 12th हाउस की अगर हम बात करें तो एनलाइटेड, ठीक है, फिर हम अगर हम बात करें 12th हाउस के बारे में तो इन फॉरेन जाने के लिए भी कहीं ना कहीं हम 12th हाउस को देखते हैं, इम्प्रिजनमेंट मतलब कोई अगर जेल जाता है उसके लिए भी 12th हाउस ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता है। तो इस तरीके से करके अलग अलग हाउसेस ये फिक्स्ड है, ठीक है, ये फिक्स्ड है, कौन सा प्लैनेट आकर के वहां पर बैठ रहा है वो सेकेंडरी चीज हो जाएगी, लेकिन ये हाउस की अपनी एट्रीब्यूट है। अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देते हैं, ये एक एग्जाम्पल है आपके सामने, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो फर्स्ट हाउस है ना, यहाँ पर क्या नंबर लिखा हुआ है, नंबर 9, क्या मतलब हो गया नंबर 9 का, मतलब कौन सी साइन है ये, कौन सा साइन है, यहाँ पर देखो, इसमें देखो नंबर 9 क्या लिखा हुआ है, सेजिटेरियस, सेजिटेरियस, ठीक है, इसका लॉर्ड कौन है, जुपिटर, तो यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, ठीक है, जुपिटर सेजिटेरियस, यूजुअली ये लिखा नहीं रहता, किसी के भी हॉरोस्कोप को चेक करोगे तो वहां पर नंबर्स लिखे होते हैं, तो नंबर को आपको ऐसे ही कनेक्ट करना है, ऑलराइट, कि वो कौन से साइन है और उसका लॉर्ड कौन, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा हमेशा, क्योंकि जो भी उसका लॉर्ड होगा ना, ठीक है, वही उसको गवर्न कर रहा होगा। अब अगर मान लो वहां पर कोई दुश्मन अगर आकर के बैठ गया तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाएगा ना, ठीक है। उसी तरीके से देखो आप कोई भी देख लो, यहाँ पर जैसे यहाँ पर देख लो सेवंथ हाउस में यहाँ क्या लिखा हुआ, नंबर 3, नंबर 3 का क्या मतलब है, यहाँ पर देखो नंबर 3 जेमिनाई, लॉर्ड कौन है, मरकरी, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेवंथ हाउस है यहाँ पर नंबर 3 लिखा हुआ है, इसका मरकरी रिप्रेजेंट करता है, राइट, सो ऑन। तो उसी तरीके से यहाँ पर देखो अलग अलग नंबर्स दिए हुए, कोई डाउट है अभी तक, सबको समझ आ रहा है, yes, आसान लग रहा है या टफ लग रहा है, ये मैं बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूँ बाय द वे, ठीक है, कोई अभी रॉकेट साइंस वाली चीजें नहीं है,
सबको समझ आ रहा है? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। yes, अब यहाँ पर देखिए, अब जैसे यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट हाउस में जैसे पिछले वाले में 9 लिखा था, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नंबर 10। 10 का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर देखो 10 का मतलब कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न का लॉर्ड कौन है? सैटर्न। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कौन गवर्न कर रहा है? लॉर्ड सैटर्न। एंड सो ऑन। इसी तरीके से वही एक मैंने दूसरा एग्जाम्पल आपको दिखाने की यहाँ पर मैंने कोशिश की। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? बहुत सिंपल चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, याद रखिए, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस अभी तक नहीं। सर एक चीज पूछनी थी, हो सकती है यहाँ पे जैसे जो आपका लग्न का हाउस है वहां पे जो भी नंबर लिखा हुआ है उसके बाद वो फिर वो सीक्वेंस कंटिन्यूअस चलेगी आगे ना, उसी के हिसाब से प्लेसमेंट होगी। यहाँ पर 10 है, 10 के बाद 11 आ रहा है, 12 आ रहा है, ठीक है, ऐसे करके वो चीजें चलती। ठीक है, 13 तो होता नहीं है, इसलिए वहां पर 1 से स्टार्ट हुआ। देखिए 1 2 3, पिछले में भी देखो यहाँ पर 9 था, 9 के बाद 10 आएगा, वो हमेशा सीक्वेंस में ही होती है। ठीक है, अब ना हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम जो एग्जाम्पल देखेंगे एस्ट्रो न्यूमेरो दोनों को साथ में देखेंगे। ठीक है, दोनों को कैसे हम क्लब करते हैं, अब इस चीज को आप लोग गौर करिए। मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दूंगा क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। ठीक है, मैं ना एस्ट्रो न्यूमेरो दोनों को क्लब कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, रादर देन राइटिंग लुक एट व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम शोइंग एंड व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, देखो ये ना मैंने एक एक बच्ची का मैंने डेट ऑफ बर्थ लिया है। ठीक है, जन्म की तारीख क्या है? 25 फेब 2009। ठीक है, ये किसी एक बच्ची का जन्म की तारीख मैंने ली है, फीमेल है, बच्ची है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी यहाँ पर नंबर्स होते हैं उसको हम लोशु ग्रेड में डालते हैं। तो लोशु ग्रेड में नंबर 2 कहाँ आता है? यहाँ पर सबसे ऊपर में, राइट हैंड साइड में। ठीक है, फिर नंबर 5 है, 5 को मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर नंबर 2 आया, 2 को वापस हमने लिखा। फिर नंबर 2 आया, 2 को फिर से हमने वापस लिखा। और फिर नंबर 9 आया, हमने ऊपर लिख दिया। ठीक है, मतलब जहां पर जो नंबर्स होने चाहिए लोशु ग्रेड में उसको हमने वहां पर लिख दिया। इसको रेड कलर से मैंने लिखा ये बताने के लिए कि ये डेट ऑफ बर्थ से सीधा सीधा आ रहा है। अब उसके बाद हम निकालते हैं ड्राइवर नंबर, जिसको कि हम बर्थ नंबर भी कहते हैं। तो बर्थ नंबर हम कैसे निकालते हैं? जिस तारीख को जन्म हुआ है उसको एडिशन करते हैं। तो यहाँ पर किसने तारीख को जन्म हुआ था? 25। तो 2 + 5 = 7। नंबर क्या हो गया? 7। हाँ, यहाँ पर मुझे 7 लिखना चाहिए था, और मैं भी लिख देता हूँ यहाँ पर। सेवन लिखना भूल गया मैं, यहाँ पर कितना होना चाहिए था? यहाँ पर नंबर 7, राइट? तो ये 7 हो गया ना, और कुछ छोटा है? कुछ नहीं छोटा है, चलो ठीक है, राइट? तो यहाँ पर देखो 7 को मैंने ग्रीन से कर दी, ये बताने के लिए कि ड्राइवर नंबर से आया है। उसके बाद में कंडक्टर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? पूरे डेट ऑफ बर्थ को हम ऐड करते हैं। सो 2 + 5 + 2 + 2 + 9 कितना आ गया? नंबर 20। 20 का मतलब 2। तो देखो 2 को हमने यहाँ पर एक दूसरे कलर से लिखा, ये बताने के लिए कि ये कंडक्टर से आया है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं? कुआ नंबर हम निकालते हैं। याद है अभी मैंने बोला था कुआ नंबर का मतलब सपोर्ट नंबर, आपका डॉक्टर, आपका मैकेनिक। ठीक है, तो कुआ नंबर निकालने का तरीका ये होता है, जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ होता है उसको टोटल करिए। ठीक है, फीमेल है तो 4 से प्लस करिए, अगर कोई मेल है तो 11 से हम उस नंबर को माइनस करते हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इसका एक गोल्डन रूल है कि ईयर ऑफ बर्थ के टोटल को 4 से प्लस करना है अगर फीमेल है तो, और 11 से माइनस करना है अगर वो मेल है। तो यहाँ पर ये फीमेल है, तो हमने क्या किया, 6 को, सॉरी 2 आया, तो 2 को 4 से हमने प्लस कर दिया, टोटल कितना है? 6। तो 6 ये कौन हो गया? कौन हो गया? यहाँ तक क्लियर है? यस। यहाँ तक सबको क्लियर है? अच्छा, यस। अब एक चीज याद रखिएगा, आपके लाइफ में ना आपका जो ड्राइवर एंड कंडक्टर है वही सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, आपके लाइफ में आपका जो ड्राइवर एंड कंडक्टर है, ठीक, जिसको हम बर्थ एंड डेस्टिनी नंबर कहते हैं, न्यूमरोलॉजी में वही सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। आपके जन्म से लेकर के 33-34 ईयर्स तक आपका जो ड्राइवर नंबर है वो सबसे ज्यादा रिजल्ट देता है, मतलब 80% रिजल्ट आपका ड्राइवर देता है, आपके जन्म से 33-34 ईयर्स तक। ठीक है, जैसे ही आप 34 के हो गए तकरीबन, 33-34, उससे लेकर के जब तक आप जिंदा है तब तक आपका कंडक्टर नंबर जो भी है, जिसको कि हम डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं, वो 80% रिजल्ट देता है, ड्राइवर नंबर 20% रिजल्ट देता है। इस चीज को, इस स्टेटमेंट को अगर आपने से किसी को नहीं पता है तो उस चीज को लिख लीजिए, वो आपके काम आएगा। ठीक है, तो अब इस बच्ची का अभी कौन सा पीरियड चल रहा है, कौन सा फेज चल रहा है, ड्राइवर वाला या कंडक्टर वाला? ड्राइवर वाला सर।
वाला, क्योंकि 2009 का जन्म है तो अभी कितना साल हो गया इसको, अभी मुश्किल से 13 साल की होगी, है ना, राइट। सो इसका मतलब है ड्राइवर नंबर सबसे ज्यादा रिजल्ट दे रहा है नंबर 7, तो नंबर 7 के जो भी एट्रीब्यूट होंगे वो इस बच्ची के ऊपर अभी दिख रहा होगा। नंबर 7 क्या देता है? स्पिरिचुअलिटी देता है, क्रिएटिविटी देता है, कंफ्यूजन देता है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा देता है, ठीक है, माइंड लॉस देता है, लॉसेस देता है लाइफ में, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दूसरी चीज, आपको हमेशा चेक करना होता है कि ड्राइवर एंड कंडक्टर ये दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा है, दोनों फ्रेंडली है, न्यूट्रल है, या फिर दुश्मन है। तो एनिमी यहां पर अगर हम देखें 7 एंड 2, 7 एंड 2 कॉम्बिनेशन अपने आप में ही एक अच्छा कॉम्बिनेशन, मतलब साथ में अच्छा कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो इसको हम एक गुड कॉम्बिनेशन कह सकते हैं ये वाला, राइट। ऑल दो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, बट आपस में ना 7 एंड 2 ठीक है, आपस में ठीक है, राइट। अब बाकी इसके नाम कितने पर जाता है, तो ऑलवेज रिमेम्बर, किसी का भी जब हम नामकरण को हम देखते हैं, नेम को देखते हैं, तो नेम शुड बी फ्रेंडली टू योर ड्राइवर एंड कंडक्टर बोथ। आपका जो भी नाम होगा वो ड्राइवर से भी फ्रेंडली होना चाहिए, कंडक्टर से भी फ्रेंडली होना चाहिए। उसी तरीके से है कि एक रूम में मान लीजिए कि दो दोस्त बैठे हुए हैं, और किसी ऐसे को ला करके बिठा दो जो कि दोनों का दुश्मन है, तो क्या होगा? वो दोनों में भी झगड़ा करा देगा, राइट। तो वो आपका नाम। उसी तरीके से दो दोस्त बैठे हुए हैं और तीसरा भी दोस्त आ गया, तो और बढ़िया हार्मनी ले लेकर के आएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से नाम सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। रिमेम्बर, न्यूमरोलॉजिकल पॉइंट से ये चीज क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए, इनका एक्शन प्लेन तो कंप्लीट हो रहा है, मेंटल प्लेन जो है वो 66% कंप्लीट हो रहा है, स्पिरिचुअल प्लेन या जिसको हम इमोशनल प्लेन भी कहते हैं वो भी 66% कंप्लीट हो रहा है, प्रैक्टिकल प्लेन तकरीबन तकरीबन 33 है या उससे कम ही मान लो, क्योंकि पुआ नंबर से आ रहा है। इनका जो है विल प्लेन वो भी कितना हो रहा है, 66% कंप्लीट हो रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स मिसिंग, ठीक है। तो नेम को हमें स्ट्रेटेजिकली डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। नेम को हम चाहे तो 6 पर भी दे सकते हैं, 1 पर भी हम दे सकते हैं, ठीक है, डिपेंड्स। न्यूमरोलॉजिकली चीजें क्लियर है, ठीक है। हाँ जी सर, अब मैं आता हूँ एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट पे। तो नीचे देखो इस बच्ची का ना चार्ट मैंने मैंने बना के डाला हुआ है, ठीक है, यहाँ पर नीचे देखिए। अब आप मुझे बताइए कि इसके लग्न में कौन सी राशि है, लियो, सूर्य, नंबर सूर्य, 5 लिखा हुआ है, तो हम देख लेते हैं, रेफर कर लो, आपको नहीं पता है, लियो है, उसका राशि लॉर्ड कौन होता है, सूर्य, सूर्य राइट, देव सर, सूर्यदेव, मतलब सूर्यदेव के घर में कौन बैठा हुआ है, यहाँ पर ऐसे ही लिखा हुआ है, ऐसे का मतलब शनि, शनि, सूर्य के घर में शनि बैठा हुआ है। अच्छा है एंटी या बुरा है? अब एंटी टू इच अदर, एंटी है, एनिमी, आप मुझे बताइए कि अब ये फर्स्ट हाउस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कि आप उसको कैसे सेल्फ को, राइट, सेल्फ को, उसकी खुद की पर्सनैलिटी अच्छी कैसी होगी, इरिटेटिंग, हार्डवर्किंग, कॉन्फ्लिक्टिंग, हाँ ठीक है, हार्डवर्किंग भी आपने सही कहा, ठीक है, बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग होगी, जजमेंटल, पर्सनल यस, बिल्कुल बहुत ज्यादा जजमेंटल, जजिंग, डिलेज इन वर्क, उसके काम डिले होते रहेंगे, राइट, डिले होगा क्योंकि जो सैटर्न है, अपोजिट सैटर्न डायरेक्शन में डिले भागेगी। करता, सैटर्न डिले डिले करता है, राइट, वेरी गुड, ठीक है, तो वो डिले करेगा चीजों को, मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाएगी एक स्टेज पे आके जब उसके काम नहीं बनेंगे, फ्रस्ट्रेटेड राइट, भी होगी। यस, होगा ना। तो आप इस चीज को देखिए, उसी उसी तरीके से आप किसी भी हाउस को जाकर के यहाँ पर देख सकते हैं, ओके। सेकंड हाउस में देखो नंबर 6 लिखा हुआ है, 6 का मतलब क्या है, सिक्स उसका कोई बन काम गया चेक कर लो यहाँ से, वर्गो है, मरकरी वर्गो, वर्गो मरकरी, वर्गो है, चलो चार्ट चेक कर लीजिए शुरुआत में, अगर आपको नहीं आता हमेशा चार्ट चेक कर, कोई दिक्कत का मरकरी नहीं, मरकरी है, ठीक है, मरकरी खुद कहाँ पर बैठा हुआ है, 6th हाउस में जाकर के बैठा हुआ है, इनकम, देखिए इनकम के हाउस में, मरकरी इनकम के हाउस में नहीं बैठा है, ओ वो सॉरी लिटिगेशन सर, नेचर, सैटर्न, एंड हेल्थ के हाउस में जाकर के बैठा हुआ, ठीक है। जी अब देखो एस्ट्रोलॉजी में क्या है ना, कि हर जो यहाँ पर क्या प्लैनेट है ना, उनकी अलग अलग दृष्टियां होती है, ठीक है, वो भी अपने आप में एक बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ओके। तो मैं अभी उसमें नहीं घुसूंगा क्योंकि थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा आपने के लिए, सर क्या क्या बता रहे हो, सर के ऊपर से जाकर, ठीक है। जैसे फर्स्ट हाउस में देखो यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, सैटर्न है ना, तो शनि की जो होती है ना तीसरी दृष्टि होती है, सातवीं और दसवीं दृष्टि होती
ठीक है, जस्ट मैं वन एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। तो सैटर्न को अगर आप देखोगे ना, तो इसकी दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है, तो यहाँ से लेकर के थर्ड हाउस, तो 1 2 3 मतलब कि थर्ड हाउस में इसकी दृष्टि पड़ रही है। ठीक है, उसके बाद सातवीं, तो ये 3 हो गया, 4 5 6 7 सिक्स मतलब कि उसके बाद में कौन सेवन से घर में, सेवन हाउस शादी के घर में, जी ठीक है, हाउस, स्पाउस के घर में, तो इसकी मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स, और वहां पर देखिए पार्टनर उल्टा उल्टा सन भी, पार्टनर उल्टा सन एंड मून बैठा हुआ है जो दोनों का दुश्मन, हाँ तो मैरिड सैटर्न लाइफ का में भी दुश्मन, प्रॉब्लम रहेगी इसकी। ठीक है। और फिर हम देखेंगे 10th हाउस, तो ये 7 हो गया, 8 9 10, तो ये फादर के हाउस को भी देख रहे हैं। तो अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगा, थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा बहुत सारे लोगों के लिए जिसको नहीं आता है, ठीक है, बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, अगर आप धीरे धीरे चीजों को देखोगे ना, इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आता है चीजों को। राइट, अच्छा सर एक चीज पूछनी थी, हाँ तो जी, हर प्लेनेट की कुछ कंफर्म दृष्टियां होती हैं या वो कहीं भी देख हाँ हाँ सकते नहीं 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 कहीं भी नहीं देख सकता, ऐसा नहीं, कहीं भी नहीं देखता। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, हैं? सूर्य की होती है सातवीं दृष्टि में, ठीक है, चंद्रमा की अगर मैं रिपीट करना, सूर्य की कौन सी होती है? फटाफट बोलता हूँ, लिखना है लिख लो, एक ही बार बोलूंगा, ठीक है, सूर्य की सातवीं दृष्टि, चंद्रमा की सातवीं दृष्टि, मरकरी की सातवीं दृष्टि, वीनस की सातवीं दृष्टि, मार्स की चौथी सातवीं और आठवीं दृष्टि, ठीक है। सर जी रिपीट कर दो एक बार, अभी तो दृष्टि ही समझ में नहीं सर आई। आप तो शताब्दी बगा रहे हो। मैं लिख के भेज देता हूँ, ठीक है हाँ वंदे भारत हो गई। वंदे भारत। हाँ कुछ दिन पहले मैं ना अहमदाबाद हाँ गया था, तो सो जस्ट ना ट्रायल लेने के लिए कि लेट मी हैव अ फील ऑफ, मुझे ना फ्लाइट पकड़ना था सूरत से, ठीक है, तो मैंने बोला यार फ्लाइट पकड़ना है, एक काम करते हैं वंदे भारत का ना फील लेते हैं, ठीक, जस्ट टू हैव अ फील, आई जस्ट टू वंदे भारत। फ्लाइट के बराबर ही पड़ती है सर वो। नहीं, इतना भी नहीं है यार, इतना नहीं है। सर देखो ना, फ्लाइट में आपको बोर्ड करने के लिए 2 घंटे पहले पहुंचना है, चेक इन हाँ करना है, वो बात सिक्योरिटी वैसे करना है, वैसे अगर आप देखोगे उससे तो बेटर तो आप कैलकुलेट करोगे तो बराबर ही पड़ जाता है। चलिए हम टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि दोनों को हम कैसे मर्ज करेंगे, ठीक है, कैसे हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ऑलवेज रिमेम्बर, एक मैं बेसिक आपको मैं बता रहा हूँ, मेरा जो कोर्स है एस्ट्रोनिमेरो का, उसमें बहुत डिटेल में हम जाएंगे, ठीक है, बट यहाँ पर मैं बेसिक बता रहा हूँ इनको। ये जिसका भी ये चार्ट है, इनको कौन कौन से नंबर ड्राइव करेंगे न्यूमरोलॉजिकली, केतु एंड मून, राइट, नंबर 7 एंड नंबर 2, देख रहे हो ना, ठीक है, हाँ जी अब इनके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में जाकर के देखो केतु और मून कहाँ पर बैठा हुआ है। मून देखो बैठा हुआ है कहाँ पे, सेवंथ हाउस, हाउस और में, केतु स्पाउस का घर बारहवीं है, में। स्पाउस का घर है एंड पार्टनर का भी घर है, मतलब बिजनेस पार्टनर का भी घर, राइट। केतु कहाँ पर बैठा हुआ है, 12th में जाकर के, हाउस ठीक है। अब वहां पर सिर्फ इस चीज को चेक कर लो, इस चीज को चेक कर लो, क्या वो अपने मित्र के घर में बैठा हुआ है कि दुश्मन के घर में बैठा हुआ है, ठीक है। कैंसेरियन यहाँ पर राशि देखो यस मित्र मून यहाँ पर है, अब सबसे पहले हम केतु को देख लेते हैं, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर केतु है, ठीक है, 4 का मतलब मून का, कैंसेरियन मून है और ये केतु के घर में बैठा हुआ है, गुड और बैड, गुड गुड ठीक ठाक सर, ओके ओके 4 के साथ 4 के साथ ठीक ठाक सर, ठीक है, ऑल तो वो ग्रहण लगाता है भाई, बट फिर भी ठीक ठाक सर। यहाँ पर देखो 11 लिखा हुआ है, 11 का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए, बहुत आसान है, शनि शनि, ठीक है, 10th और 11 दोनों का शनि है, ठीक है, देख लो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर 10th और 11 दोनों का देखो सैटर्न है ना, ठीक है, तो यहाँ पर शनि, तो शनि के घर में कौन बैठा हुआ, मून, तो ये क्या ठीक है, नहीं है, विषय हो गए ठीक है। इसका मतलब ये है कि उनके अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को देखें, कई बार हम कहते हैं ना कि ड्राइवर कंडक्टर के अनुसार तो हमेशा रेमेडी करो, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट आपको रिजल्ट देगा, याद है ना हमने कई बार इस चीज को सीखा हुआ, बाय डिफॉल्ट रिजल्ट, देखो रिजल्ट देने के लिए बैठा है लेकिन उसमें पावर कितनी है वो आप एस्ट्रोलॉजिकली चेक कर लो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, रिजल्ट देने के लिए बैठा हुआ आपके घर में आ गया, खटिया बिछा करके बैठ गया, ठीक है, लेकिन वो अपने पास में वेपन कितना रखे हुए है, उसके पास में ताकत कितनी है, उतना ही रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। अब उसके पास में वेपन ही नहीं है तो क्या करे, हाथ से लड़ाई करेगा, कोई इसको काट के फेंक देगा, राइट। उसके पास में अगर ताकत है, उसका गदा वदा सब तलवार लेकर के आया, ठीक है, तो वो ज्यादा लड़ाई करेगा। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें नंबर 7 की, तो वो कैसा रिजल्ट देगा ओवरऑल, वो
वो कहीं ना कहीं मीडिएटर काइंड ऑफ रिजल्ट देगा, बट हम मून की बात करें तो वो कैसा रिजल्ट देगा? बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि अगर एस्ट्रोलॉजिकली भी देखे तो स्पॉन्स के, अब हॉल तो अभी शादी तो नहीं हुई, छोटी बच्ची है, ठीक है, वो जाकर के बैठा हुआ किसके घर पे? अपने दुश्मन के शनि घर में, सैटर्न के घर में, ठीक है, तो वो हमेशा, विषयोग, हाँ वो हमेशा, हाँ किसी ने कहा विषयोग, तो वो कहीं ना कहीं वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उसको। अब इसका पर्सनल ईयर कैलकुलेट करो जल्दी, बहुत आसान है। पर्सनल ईयर कैसे करते हैं? टू फोर आएगी इसको। प्लस फाइव प्लस टू, ठीक है, और ये जो ईयर है उसको ऐड कर दो, टू प्लस टू प्लस टू कितना आ गया? सॉरी, सिक्स आएगा, सिक्स है। फिफ्टीन सिक्स प्लस 15 कितना आ रहा है टोटल? सिक्स 9 और 6 15 ज्यादा? और 6 आएगा। 15 का 6, 15 का 6। 15 का 6 आ रहा है, ये साल उसके लिए कैसा रहने वाला है? अब उस 6 को भी चेक करो, 6 जो वीनस है, ठीक है, वीनस इसके इसके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में कहाँ पर Hi, your next online time is in 10 minutes. Please come online. ठीक है, वीनस इसके 6th हाउस में जाकर बैठो, ऑल तो बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। 6 पर्सनल ईयर चल रहा है, पर्सनल ईयर 6 के साथ में नंबर 7 का संबंध अच्छा है, नंबर 2 का संबंध ठीक ठाक सा है ना, जो हमने सीखा हुआ है न्यूमरोलॉजी में कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये साल कैसा जाएगा? उसका एक्टिव फेज नंबर 7 ही चल रहा है ना, अभी तो छोटी बच्ची है, 33 से कम उम्र है, तो 7 ज्यादा इंपैक्ट करेगा पर्सनल ईयर, राइट? हाँ जी, तो 6 के साथ में 7 है, इसका मतलब ये साल उसके लिए ठीक ठाक सा जाएगा। यहां तक क्लियर है? ओके, हाँ जी सर, अब मैं आपको एक एक चीज यस बताता सर, हूँ, 2 साल पहले इस बच्ची ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, आई एम टेलिंग यू, ठीक है, 2 साल पहले इस बच्ची ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। पर्सनल ईयर क्या था? राहु चार राहु, क्यों किया था बताओ आप लोग? सर, 7-4 का कॉम्बिनेशन बन गया, कंफ्यूजन, डिप्रेशन, राइट, राहु खुद जाकर के कहाँ बैठा हुआ चेक करो, 6th हाउस, सिक्स हाउस उसका लॉर्ड कौन है? क्या सैटर्न, सैटर्न देगा? क्या देगा? स्ट्रगल, हार्डशिप, स्ट्रगल, हार्डशिप, प्रॉब्लम्स, हेल्थ रिलेटेड, इतने छोटे बच्चे ने हार्डशिप, सी यस, इसको मैंने ही बचाया था ऑल्दो, इसलिए मैंने ये एग्जांपल दिया, ठीक, ये टंकी पर चढ़ गई थी कुछ नहीं। पर्सनल ईयर नंबर 4, पर्सनल ईयर नंबर 4 चल रहा था, राइट, 4 के साथ में हाँ 2 का, जी 4 के साथ में 7 का संबंध तो अच्छा है, ठीक है, पर थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग काम करता है, बट 4 के साथ में 2 का संबंध बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और 4 खुद, राहु खुद, क्योंकि वो साल इसके लिए प्रोमिनेंट था, कहां पर बैठा हुआ है? अपने दुश्मन के घर में, सैटर्न के घर में, तो प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया ना, हाँ जी सर, ठीक है, उस साल ना इस बच्ची ने, बच्ची एकदम परेशान हो गई। भाई तो मेरा देखो मेरा मेरा अभी दूसरे अभी वाले फर्स्ट में ड्रॉअर में रखा हुआ है, सुनीता सुनीता जी बहुत वॉइस आ रहा है, अपने समझ आ रहा है सबको? देखो हाँ जी सर, एस्ट्रोनी मेरे को जब आप कर, आपको एस्ट्रोलॉजी आती है ना, तो काफी कुछ इसमें आप चेक कर सकते हैं, कुछ नहीं तो बेसिक तौर पर ये 3 चीजें आप चेक कर लो जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, कि जो भी आपका ड्राइवर कंडक्टर है, ठीक है, वो खुद आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में कहां पर जाकर के बैठा होगा, ओके, और उसके पास में कितना पावर है? फ्रेंड के घर में बैठा होगा तो पावर ज्यादा होगा, ठीक है, दुश्मन के घर में बैठा होगा तो पावर कम होगा, सिंपल है, हाँ और जी बेहतर तरीके से चीजों को देखना है तो देख लो उसके ऊपर किसी भी नेगेटिव घर जो प्लेनेट है उसका दृष्टि तो नहीं पड़ रहा है, ठीक है, उसमें नहीं आता है समझ में, घुसने की जरूरत नहीं, राइट, अगर एस्ट्रोलॉजी आती है तो घुसो, दृष्टि किसकी पड़ गई, नहीं आती कोई बात नहीं, इतना तो कम से कम देख लो, ये तो बेसिक है, इतना तो देख ही सकते हैं विदाउट एनी, विदाउट डूइंग एनी कोर्स कर सकते हैं ना, हाँ जी इतना तो कर ही सकते हैं, बस इतने को कनेक्ट करो, सिंपल सी चीज, कोई डाउट यहाँ तक सर, समझ आया? 6th हाउस में इसका अंगारक योग भी तो बन रहा है। वो योग वगैरह तो खैर आपको आता है इसलिए आप कह रहे हैं, है ना, वैसे तो देखा जाए तो बहुत कुछ बन रहा है इसका, आपको आता है जी तो कह रहा है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, जब आपको आता है तो आप और ड्रिल डाउन करोगे, फिर तो जा करके उसकी महादशा देख लो, अंतरदशा देख लो, प्रत्यंतर की चीज चल रही है वो देख लो, है ना, फिर उसके साथ में पर्सनल ईयर को कनेक्ट करो, है ना, तब तो हम बहुत कुछ वैसे कर सकते हैं, बट बेसिक तौर पर मैं बोल रहा हूँ कि ड्राइवर कंडक्टर जब हम न्यूमरोलॉजी कर रहे होते हैं, न्यूमेरो एस्ट्रो कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ड्राइवर कंडक्टर के साथ में चीजों को देख लो कि उस वो जो प्लेनेट है उसमें कितनी ताकत है, कितना पावर है, क्या
क्या मैं उसको और बूस्ट करने की जरूरत है। कई बार लोग ना मुझे मुझे प्रश्न पूछते हैं कि सर मैंने ना किसी वीडियो में सुना था कि आपका जो ड्राइवर कंडक्टर वाला जो है ना उसको वाला ब्रेसलेट लो तो आराम से पहन लो, क्या पहनना चाहिए सर? जरूरी है? ठीक है पहन सकते हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर देखो कि उसकी पावर कम है तो पहन लो, नहीं जरूरत है। ठीक है पावर ऑलरेडी है तो पहन करके क्या करना है उसको, बाहुबली थोड़ी ना बनाना। ऐसे ही वो काम कर रहा है, समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी। ठीक है आप वो वाली ब्रेसलेट पहनिए जो आपके लिए ज्यादा जरूरत है, आप 50 ब्रेसलेट पहन करके थोड़े। एक बंदे को मैंने देखा था, आई वॉज ट्रेवलिंग, ठीक है उसने ना मुझे लगता है कि 10 से 12 ब्रेसलेट पहन रखा था, मैं उससे बात करने नहीं गया पाया, ही वाज जस्ट सम रैंडम गाय, 10 से 12 ब्रेसलेट पहन रखा था। ऑलवेज रिमेंबर कभी भी ना 4 से ब्रेसलेट, 4 से ज्यादा ब्रेसलेट एक साथ होता है, ठीक है वो उल्टा कॉम्प्लीटिंग हो जाता है। ठीक है क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नो सर। जी गीता जी और कौन कौन जी, पंकज जी, प्रीति जी, पार्ले जी, राइट चलिए बेसिक समझ में आ गया। चलिए अब मैं आपको कुछ ना मैं छोटे छोटे टिप्स में बताता हूँ, ठीक है, कि क्यों कोई प्लैनेट रिजल्ट अच्छा नहीं देता है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, वन ऑफ द रीजन, नंबर वन, सन रिजल्ट अगर नहीं देगा अगर आप झूठे हाथ सर्वर डालोगे। एग्जाम्पल आप ट्रैवल कर रहे हो, लेज निकाल के चिप्स खा रहे हो ऐसे, ठीक है सर खुजली किया, उसी से उठाकर खुजली कर लिया, सर झूठा हो गया। Your crown is the most important part of your body, one of the most important part. ठीक है झूठा हो गया, सन खराब हो जाएगा आपको अगर आप रेगुलरली ऐसा करते हैं तो। नंबर टू, अननेसेसरी अगर आप पानी वेस्ट करते हैं तो चंद्रमा आपका खराब होता है, कम से कम आप वेस्ट करें, उतना ही इस्तेमाल करें जितना जरूरत है। नंबर थ्री, अगर मान लीजिए कि आप अपने किसी टीचर को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, ओके उनको आप बुरा भला कहते हैं, पीठ पीछे या सामने कैसे बुरा भला आप कहते हो, ठीक है, या किसी ऐसे व्यक्ति को आप चीट करते हैं तो आपका गुरु खराब हो जाता है, जुपिटर खराब होता है। तो जुपिटर खराब होना मतलब ग्रोथ रुकता है, ग्रोथ आपके लाइफ में जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती। ठीक है देखो हो सकता है कि आपका कोई कोई टीचर है, कोई गुरु है, कोई भी उसके साथ में हो सकता है किसी कारणवश नहीं बने, हो सकता है, ठीक है निंदा हमें नहीं करनी, बस नहीं बना, नहीं बना, जब मिले प्रणाम कर लो, हो गया बात खत्म, ठीक है निंदा नहीं करता क्योंकि ग्रोथ रुक जाता है। नंबर फोर, कभी भी किसी की चुगली करते हो ना, कौन करता है चुगली? लेडीज वो सखी सुन, मैं तेरे काम में बताती हूँ, किसी को मत बता, ठीक है एनीवेज जरूरी नहीं है, कोई भी कर सकता है, ठीक है तो सारे ही करते हैं सारे ही करते हैं, ठीक है तो वो अगर आप करते हो तो राहु आपका खराब होता है। ठीक है आज के समय में ना बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि बेड पर बैठकर खाना खाते हैं, हाँ जी राहु खराब होता है, ठीक है नहीं करते। नंबर फाइव, झूठ बोलते हो, सभी झूठ बोलते हो, कौन झूठ नहीं बोलता, सच सच बोलो, कौन झूठ नहीं बोलता, जल्दी बोलो, सारे बोलते हैं, झूठ के बिना चलता कहां है सर आजकल, हमारा तो धंधा ही झूठ बोलने का, नहीं ऐसा नहीं। अच्छा आपका, हाँ आपका वाला जो ठीक है। अच्छा नंबर सिक्स, किसी में नहीं बोलते झूठ, सबसे बड़े झूठे फिर आप ही हो, वो ही नहीं करते, मैं नहीं बोलता सर, चलो सर जो ये कह मैं झूठ नहीं बोलता वो सबसे बड़ा झूठा, जो भी बोले सर पर अपना सबको पता है, आई थिंक मैं झूठ नहीं बोलता, चलो ठीक है जो नहीं बोलता बहुत अच्छी बात, ठीक है। नंबर सिक्स, किसी भी कोशिश कर दो नहीं बोलने की, बस हाँ यही बात है, कोशिश करो किसी भी वेमेन की मतलब फीमेल की अगर आप निंदा करते हो, उनका डिसरेस्पेक्ट करते हो तो नंबर सिक्स खराब होता है, ठीक है खास करके अपनी वाइफ वगैरह की तो नंबर सिक्स खराब होगा। नंबर सेवन, किसी भी अगर अगर गरीब व्यक्ति की, ठीक है गरीब व्यक्ति भिखारी वगैरह को अगर आप उसका मजाक बनाते हो, आप उसको डिसरेस्पेक्ट करते हो तो आपका केतु खराब होता है, ठीक है। अच्छा बुजुर्ग को अगर आप बुजुर्गों की, ठीक है अंधे लोगों की, बुजुर्गों की अगर आप उनको अगर आप दुख देते हो या फिर उनको आप परेशान करते हो किसी तरीके से तो आपका राहु खराब होता है, ठीक है। और गरीब लोगों को अगर आप परेशान करते हो या भिखारियों को तो केतु खराब होता है, याद रखना। नंबर एट, अगर आप बहुत ज्यादा लेजी हो, ठीक है तो आपका शनि खराब होता है, या फिर किसी भी सफाई कर्मचारी या लो ग्रेड जो वर्कर्स होते हैं अगर आप उनकी उनको अगर आप कष्ट देते हो, ठीक है तो आपका सैटर्न खराब होता है, ठीक है। नंबर नाइन, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हो,
राइट, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं वो तो। लेकिन सर आपने एक चीज बोली थी कि चार और आठ वाले ना गुस्सा आता, देखो गुस्सा आता है तो बहुत गालियां देते हैं, अब्यूज मतलब गालियां यूज होता है। अब बेचारे उन दो के इफेक्ट की वजह से तीसरा खराब हो जा रहा है फिर। हाँ खराब हो गई, मुंह पे टेप लगा लो, मुंह पे टेप लगा लो। अकेले भी हो तब भी तो निकलता ही ना, फ्रस्ट्रेशन में निकल जाती है, मतलब निकल जाती है। ठीक है, इसीलिए ना जैन जैन धर्म में देखो जब तक शंकर आए, वैसे सभी धर्मों में, बट उनका एग्जांपल इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि आज भी वो प्रोमिनेंटली इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं, मतलब पब्लिकली। ठीक है, चुप रहते हैं है सभी धर्मों में, बट वो ना अभी भी मतलब पब्लिकली भी इस चीज को फॉलो करते हैं। ठीक है, उनके जो लोग हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं ना एक एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। ठीक है, फोर्थ हाउस के प्लैनेटरी इफेक्ट, फोर्थ हाउस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, जल्दी बोलो। कैंसेरियन अरे प्रॉपर्टी, मदर व्हीकल प्रॉपर्टी, सुख को। ठीक है, लग्जरी आज के समय में नहीं, लग्जरी एज पर ठीक है वो भी कनेक्टेड है उसी चीज। तो देखो बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि सर मेरा खुद का घर कब होगा, सो होगा नहीं होगा क्या है। ठीक है, तो आप अपने फोर्थ हाउस में जाकर के चेक करिए कौन बैठा होगा। जैसे यहाँ पर इस बच्ची का देखो, फोर्थ हाउस में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, राइट। यहाँ पर उसकी कौन है, नंबर एट, क्या मतलब मार्स बैठा हुआ, मतलब मार्स का घर है वो, मार्स बैठा नहीं। अलग अलग यहाँ पर प्लैनेट्स के क्या इफेक्ट होंगे फोर्थ हाउस में, ये मैं जस्ट एग्जांपल मैं आपको एक दे रहा हूँ। तो अगर सन है वहां पर बैठा हुआ, सूर्य बैठा हुआ है, तो गिव्स हाउस विच इज स्मॉल एंड मे बी एबल टू मेक ओन हाउस एट ओल्ड एज। अगर सूर्य खुद जाकर के फोर्थ हाउस में बैठ गया, ठीक है, तो आप अपना घर बना पाओगे, लेकिन हो सकता है कि डिले आप ओल्ड एज में जाकर के बना पाओ। चंद्रमा अगर बैठ गया, सो द पीपल मेक हाउस विच इज वेल मेंटेन्ड, और ये जो घर बनाएंगे ना हमेशा कोई ना कोई जल, जहां पर भी पानी होगा ना, कोई नदी हो सकती है, कोई तालाब हो सकता है, उसके आसपास में, वाटर बॉडी के आसपास में घर, या बीचेस वगैरह में जाकर के घर। ठीक है, और ये हो सकता है कि दे कीप ऑन चेंजिंग हाउसेस, अगर चंद्रमा फोर्थ हाउस में जाकर के बैठ गया। मरकरी अगर, सॉरी मार्स अगर आ गया, तो ये क्या करेगा, पीपल मेक गुड कॉन्क्रीट हाउस विद अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे घर में फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा होगा, फायर से रिलेटेड चीजें, ठीक है, आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, आज के समय में तो फायर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें। या ऐसा भी हो सकता है, एक एक बंदे को मैंने देखा था कि घर बनाया था, नीचे में उसने रेस्टोरेंट खोल, तो वो भी फायर वाला ही काम हो, रेस्टोरेंट है ना, घर बनाया नीचे में उसने एक रेस्टोरेंट खोली, तो वो भी फायर वाला काम है, तो ऐसा भी हो सकता है कर ले। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ना ये भी एक चीज है कि आप ऐसे भी चीजों को ना देख सकते हो, कि इलेवेंथ हाउस को देख लो, ठीक है, और फिर ऐसे करके भी आप घर के साथ में चीजें अटैच करके कर सकते हो। वर्क फ्रॉम होम का फंडा जब से चालू हुआ है, तो लॉट ऑफ पीपल हुआ वर्किंग फ्रॉम होम। ठीक है, जैसे अभी मैं अपने घर में बैठ कर करके आपसे बात कर रहा हूँ, आप भी अपने घर में ही बैठे हैं, है ना। मरकरी स्मॉल हाउस और फ्लैट, ठीक है, अगर मरकरी बैठ गया तो छोटी सी घर होगी, प्यारी सी घर होगी। जुपिटर अगर आ गया, तो पर्सन मेक्स अ ब्यूटीफुल हाउस विद अ लॉट ऑफ वुडन वर्क। ठीक है, अब वुडन वर्क कहने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि घर ही वुडन बनाए, बट वुडन फर्नीचर बहुत ज्यादा हो सकता है, या वुडन वर्क बहुत ज्यादा हो सकता है, ऐसे ही वुड एलिमेंट है ना। वीनस, वीनस अगर आ गया, तो समझ लो कि आप ना मतलब बहुत लग्जरियस घर है, ठीक है, एकदम अट्रैक्टिव, मतलब कोई भी आएगा ना तो वाह करेगा, ऐसे वाले आपके दिमाग में वही चीज आएगा, लीक से अलग जाकर के। ठीक है, इफ द वीनस इज पावरफुल एंड gets the eye of Jupiter, person makes more than one house. अगर मान लीजिए कि Venus powerful है, वहाँ पर बैठा हुआ है fourth house में, और Jupiter उसको देख रहा है, तो वो एक से ज्यादा घर भी बनाते हैं। ठीक है, Saturn अगर आ गया, तो people buy old houses, आप पुराने घरों को ज्यादा खरीदते, ठीक है, मल्टीपल घर भी खरीद सकते हैं। राहु अगर आ गया, तो भी आप पुराने घर को कहीं ना कहीं आप खरीदते हो। केतु अगर आ गया, तो आप कहीं ना कहीं घर को ना बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन नहीं करते, आप या ओल्ड हाउस को ही आप लेते हो। सन एंड सैटर्न अगर दोनों अगर आ गया, पर्सन स्टेज इन रेस्टेड हाउस, या हम रेकमेंड करते। एक एक बंदे का मैंने देखा था, उसने अपना घर खरीद लिया, बाद में पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम हुआ, उस घर को ही बेचना पड़ा। ठीक है, उसको एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी के तौर पर यह बताया गया था कि पूरी जीवन आजीवन रेंटेड घर में। अगर किसी के उस हाउस में कोई भी घर ना हो, फिर ब्लैंक को कोई बात नहीं, ब्लैंक है तो है, देख लो किसका एस्पेक्ट आ रहा है, कौन से ओनर ऑफ दैट हाउस।
ओनर ऑफ द हाउस वो देख लो और कौन उसको देख रहा है, ओके ठीक है, उस चीज पे देखो। सीधी सी बात है, न्यूमरोलॉजी जब मैंने सिखाई थी आप लोगों को तो वहां पर मैंने बताया था सिर्फ न्यूमरोलॉजी का, मैं बात करूँ खुद का नहीं हो पा रहा है स्पॉज के साथ में ले लो, बच्चे के साथ मिलकर के ले लो, है ना, एक बड़ा सा जी, हाँ कवर जी, किया था, ठीक है। कुछ नहीं, आपको एक्टिवेट करना होता है उस चीज को, ठीक है, एक्टिवेट करना होता है और एक्टिवेट करने का तरीका मैंने वहां पर बताया, जी ठीक है। चलो तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था बंधुओं, ठीक है। अब अगर आप में से किसी को भी कोई भी सवाल है तो पूछते रहिए और मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आई होप कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेरा एक कोर्स आ रहा है एस्ट्रो निरो का, अगर आप में से किसी को भी करना है, ये जो कोर्स होगा वो पूरा का पूरा प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स उसमें कवर होगा और प्लस एस्ट्रोलॉजी उसमें कवर होगा, ठीक है। आप में से जितने सारे, अगर कोई मेरा फ्रेंड सॉरी कोई मेरा स्टूडेंट है जिसने न्यूमरोलॉजी कर रखी है ऑलरेडी और अगर वो एस्ट्रो निरो कोर्स करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, आपकी फी पूरी की पूरी आधी हो जाएगी, ठीक है। मतलब आपको सिर्फ एस्ट्रो का ही पेमेंट करना है और न्यूमरोलॉजी आप फ्री में करोगे, तो इट इज मोर देन वन मंथ कोर्स, ठीक है, बड़ा कोर्स है, ठीक है, विद अ लॉट ऑफ व्हाट विल बी द फुल फीस फॉर बोथ द कोर्सेस, मुझे आप पिंक करिए फिर मैं बताऊंगा, डिपेंड करता है मैं सारा देख के प्राइस पे। नहीं सर, यहाँ पे सबके चेहरे देख लो अभी बता दो, अब तुम्हारे इतनी तुम्हारी इतनी तुम्हारी इतनी, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं, आप मुझे पिंक करिए फिर आपको मैं, ठीक है। If somebody knows astrology, then also fees will be half. नहीं देखो इस समय मैं कुछ तो डिस्काउंट देता हूँ, तो फीस हाफ नहीं होगी, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स डिस्काउंट आपको जरूर आप देखिए। आनंद सर एक चीज पूछनी थी, जितने मेरे स्टूडेंट होते हैं उनके लिए हमेशा डिस्काउंट रहता ही है कुछ ना कुछ, बट ये कोर्स है उनको फ्लैट 50%। आनंद सर एक चीज पूछनी थी, बड़ी मुश्किल से तो ये नंबर्स याद हुए थे कि कौन से उसका क्या है, अभी ग्रहों में जाने के बाद में वो 9 से 12 हो गए, अब कुछ कोरिलेशन है कि थोड़ा इजी हो जाए, ये नंबर्स ऐसे खराब चल, समझ में नहीं आता। मैं भी यही बोलने लगी थी, वो तो याद हुए नहीं अभी तक, ये कैसे करेंगे जी। मुझे याद है आपने मुझे बताया था कि आप किसी अपने फ्रेंड के साथ में तर्क वितर्क करते हो, उनको एस्ट्रोलॉजी आती है आपको न्यूमरोलॉजी आती है ना, हाँ जी हाँ जी, राइट राइट राइट, तो ये ना बिल्कुल आपको सोच करके ही मैंने ये कोर्स बताया बनाया है कि आप उनके साथ में बेहतर तर्क कर सकते। सर तर्क तो ठीक है लेकिन वो ना देखो, एक तो आपने जो मैंने आपको शायद बताया भी था कि एक अपने कूदवाल जी हैं यूट्यूब पे, उनके मैंने ऑलमोस्ट 30-40 वीडियोस देखे सीक्वेंस में, जैसे वो डिग्रीज पे पहुंचे ना तो मेरी डिग्रीज आउट हो गई, मैं 180 पे आ गया, फ्लैट हो गया, क्योंकि ना उसकी इतनी उसकी इतनी डिग्री उतना जाने की जरूरत नहीं, ऊपर से नंबर प्लस डिग्री, फिर वो 9 से 12 हो गए और 12 के अपने 12 घर हो गए, वो फिर ना 12 मल्टीप्लाई पे 12 144 और उसके अंदर कहानी खराब, उस सब ऊपर से निकलता है फिर, खैर उतना जाने की जरूरत नहीं। और वो सब चीजें मैं इस कोर्स में बताने भी नहीं वाला हूँ, क्योंकि वो ना पूरा प्रोफेशनली अगर आप सिर्फ एस्ट्रोलॉजी को लेकर के चलना चाहते हैं और बहुत एडवांस लेवल में, तो आपको उसमें जाने की जरूरत है। ये जो कोर्स है दिस इज अ कंबाइंड कोर्स ऑफ एस्ट्रो न्यूमेरो, सो पूरा का पूरा न्यूमेरो कवर होगा, न्यूमेरो में और भी कुछ चीजें ऐड होंगी ये तो वो कवर होगा, ठीक है, जैसे बिजनेस न्यूमरोलॉजी वगैरह, मुझे याद नहीं जैसे आपने जो किया था तो वो चीजें आएंगी और फिर जिस तरीके से आपने जिस तरीके से आपने सीक्वेंस बताई थी ना, कि राजा है रानी है उसका बेटा है वो उसका सेनापति है वो उसका गुंडे वाला सेनापति है, वही है, वही है, वही है, इतनी अच्छी दिमाग में बैठी है ना, तो यू कैन बिना पेपर पेन लिए ना वो सीक्वेंस के हिसाब से पता लग जाता है, इतना तो समझ में आ गया। लेकिन जब वो वही सीक्वेंस काम करेगी एस्ट्रोलॉजी वाले जो 12 घर आते हैं ना, फिर 12 घरों बड़ी मुश्किल से तो 9 के ट्रेट याद हुए थे, याद तो क्या उसमें आधे तो भूल ही जाते, बट 12 के फिर 12 का उन 9 के साथ में कॉम्बिनेशन ना फिर खिचड़ी हो जा रही है। मेरे बड़े सारे स्टूडेंट्स हैं उनका भी यही सवाल पहले भी रहा है, ठीक है, और आज के समय में ना वो एस्ट्रोलॉजी भी बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन यहाँ पर गुरप्रीत है ना, कितने सारे ऐप वगैरह में वो ऑलरेडी कंसल्टेशन दे रहे हैं, ठीक है, सो दे आर डूइंग रियली गुड, राइट, आई थिंक पुनीत जी भी कर रहे हैं, आई थिंक डिपल जी आप भी कर रहे हैं, यस सर, ये मैं भी कर रही हूं, इन लोगों ने
कितना अच्छा कर रहा है। देखो देखिए ये सब चीजें प्रैक्टिस के ऊपर में चाहिए, ठीक है। आपने एक स्टेज क्रॉस कर लिया राइट, उसके बाद में फिर नेक्स्ट है वो क्या है, वो ये चीज है। सर मेरे साथ तो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है ना कि मैंने दो चार को बताया, उन्होंने पास माना ही छोड़ दिया, अरे इसको ज्यादा पता है मेरे बारे में। सर कहीं तो ऐसे सोचते कि हमें ही ना कुछ कर दे, हमें ही ना कुछ कर दे, ऐसे लोग जाते कि हमें ना कुछ पानी वगैरह पिला दे। लोगों की सोच होती है ऐसी होती है। अरे सर बाकी बात फ्री की नहीं है, बात ये कि हमारे को तो केस स्टडी चाहिए कि चल भाई मैं जो जहाँ जा रहा हूँ सही जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ, मेरे को प्रैक्टिस के लिए तो मेरे को वो चाहिए ना, केस चाहिए। वो केस एक बार बताने के बाद में दूसरी बार वो आता ही नहीं है पास में। तो प्रैक्टिस के लिए तो आप कोई भी ना अपने आप डेट ऑफ बर्थ सोच के उसकी प्रैक्टिस करनी शुरू करो, रैंडमली आप उठा सकते हैं। या सबसे बढ़िया तो बढ़िया प्रैक्टिस के लिए अगर आप जाओगे फेसबुक वगैरह में, कितने सारे लोग होते हैं कि फ्री में कर दो फ्री में, ठीक है उनको उठा कर प्रैक्टिस कर लो। पर सर सामने वाले के बारे में पता भी तो होना चाहिए ना, सामने वाले के बारे में पता भी तो होना चाहिए। सॉरी मैम ने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि जब आप किसी के साथ बात करते हो और उसके बाद में वो चीज को कंफर्म करता है तो हमें भी कॉन्फिडेंस आता है कि हम सही रास्ते में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। प्रैक्टिस हमारी सही है। गूगल से उठा लिया और गूगल से इंफॉर्मेशन निकाल के किसी सेलिब्रिटी की सर्च करी तो उसमें कॉन्फर्मेशन नहीं होती, तो एक दूसरी पार्टी से अगर कॉन्फर्मेशन आता है कि हाँ हाँ ये है क्या करना चाहिए, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट खुद को भी आता है कि हाँ यहाँ तक। देखो इसके लिए कॉन्फिडेंस भी आता है, इसके लिए सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ, ठीक है। मैंने सिखाया था ट्रिक अपने स्टूडेंट्स को, जो भी आपने क्वेश्चंस वाले बताए थे आपने, सबसे पहले तो अपने आप को एडवर्टाइज करो कि मैं टेक्नोलॉजी स्टोर में फलाना हूँ, टिक को एकदम ढिंडोरा पीट दो बैंड बाजा दे, ठीक है। उसके बाद लोग अपने आप चीटी की तरह आएंगे, आपको सिर्फ चीनी गिराना है, चीटी की तरह आए, ठीक है। उसके बाद में आप उनकी डेट ऑफ बर्थ उठाइए, राइट। एक चीज ना सही सही बोलिए उनके बारे में, ठीक है, जो कि आप आसानी से बोल सकते हो, तीन चार भी आप बोल सकते हैं, और उसके बाद में सिर्फ आपको इतना बोलो वो हो, बस खलास। उसके बाद वो आपके पीछे भी बोलो पैसे दे फिर बताओ। सर फर्स्ट 15 सेकंड आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, पहले 15 सेकंड में हैमरिंग कर दो, उसके बाद क्लाइंट विल कम फॉलो यू, उसके बाद वो फिर पीछे पीछे आएगा, समझ रहे हैं। ज्यादा समय नहीं देना, याद रखिए सबके पास में 24 घंटे ही, ठीक है। मैंने एक ट्रिक बताया था आप लोगों को हेल्थ न्यूरोलॉजी कोर्स में भी मैंने बताया था, ऐसे भी मैंने बताया था कि द मोमेंट पर्सन कॉल्स यू, आज के समय ट्रू कॉलर है, ट्रू कॉलर में आप बंदे का नाम देख पाते, राइट। टाइम नोट करो कि बंदा कॉल कर रहा है, याद है वो ट्रिक मैंने बताया था, टाइम देखो बंदा कॉल किस लिए कितना देख रहा है, ठीक है, उसके अनुसार और फिर उसका नाम चेक करो, उसका मुंह खोलने से पहले उसके बारे में एक दो चीज बोल दो, ठीक है, और उसके बाद उसका फोन मत उठाओ। अरे सर मेरे यहाँ पे ना एक वो है नाइजीरियन है, हमारा ड्राइवर है, एक दिन वो शाम को आया, हम लोग हॉल में बैठे हुए थे, तो हिज नेम इज टोबी, बड़ी अच्छी हिंदी हिंदी गाने वाने मस्त अच्छे गाता है। ऐसे बैठा तो कुछ बात चल रही थी हमारी हल्की फुल्की, तो मैंने उसको रैंडमली पूछा, यू वॉन्ट बिलीव, मैंने तीन कालों के नंबर लिए, दो मेरे कोलीग हैं और एक यहाँ पे है, जो बोलते ना गोल्डन लाइन सिल्वर लाइन, उसमें एक नंबर नहीं डबल डबल नंबर के बन रहे हैं। तो पिछले सेशन जब मैंने कराया था याद होगा, उसमें मैंने बताया था कि मेरा जो नेम नंबर है वो वन पर जाता है, आनंद एस वर्मा जब मैं लिखता हूँ, किसी को याद है मैंने उस समय बताया था, किसी ने कुछ मुझे सवाल पूछा था, ठीक है, उसके एवज में मैंने बोला था, और मैंने बोला था कि मेरा जो ये जो स्ट्रगलिंग नंबर है ना वही नंबर वन, ठीक है, और मेरा नेम नंबर फिर भी मैंने 37 से वन पर क्यों ले रखा। उसके पीछे का कारण ये है ना कि मेरे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में जो सन है वो मेरे सेकेंड हाउस में जाकर के बैठा, सेकेंड हाउस किस चीज का है, वेल्थ का, ठीक है, सेकेंड हाउस में वेल्थ के हाउस में सन का होना, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा माना जाता है। अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, आप लोग खुद इस चीज को समझिए कि क्या कारण है। ये क्या लिखा हुआ है नंबर 5, मैंने क्या बोला मेरा लग्न क्या है, मैं कैंसेरियन हूँ ना बोला था ना, तो इसका मतलब मेरा फर्स्ट हाउस में नंबर 4 लिखा होगा, राइट राइट, समझ आ रहा है, मेरा फर्स्ट हाउस में नंबर 4 लिखा होगा कैंसर यहाँ पर देख लो, हाँ जी, ठीक है, तो इसका मतलब मेरे सेकंड हाउस में क्या लिखा होगा, 5 5, अच्छा 5 का लॉर्ड कौन है,
सन स्वग्रह ही हो गए. एग्जैक्टली. और सन ही वहीं पर बैठा हुआ है तो इसका मतलब वेल्थ के घर, मतलब सन खुद अपने घर में बैठा हुआ है. राइट. तो अगर मैंने नेम नंबर वन दिया हुआ है, इज इट गुड और बैड? गुड. गुड सर. इट विल इंक्रीज योर वेल्थ. एग्जैक्टली. इसका मतलब ये है कि अगर न्यूमरोलॉजिकली अगर मेरा नंबर वन अगर स्ट्रगलिंग नंबर भी दिखा रहा है तो भी मुझे स्ट्रगल ज्यादा नहीं देगा क्योंकि सूर्य खुद अपने घर में बैठा हुआ है और नेम को भी मैंने जब वन पर लिया उसको मैंने और पावरफुल बना दिया. समझ गए मेरी बात? हाँ जी सर. ठीक है. आप देख लो मैंने कोई जमस्टोन नहीं पहना, कोई पन्ना वन्ना कुछ नहीं, व्याघ्रो भी कुछ नहीं पहना, जरूरत नहीं है. समझ रहे मेरी बात? रेमेडी आप बहुत तरीके से कर सकते हैं आपके पास में. देखो जेमस्टोन पहनना मैं मना नहीं करता, इट इज अप टू यू. ठीक है. या कुछ भी पहनना मना नहीं करता, बट आप बहुत तरीके से चीजों को कर सकते हैं. देयर आर लॉट मेनी ऑप्शंस. आज संडे का दिन है, मैं कौन से कलर के कपड़े पहन के बैठा हूँ? ठीक है. दिस ऑल्सो इफेक्ट्स मी ऑन दिस पर्टिकुलर डे, ऑन दिस पर्टिकुलर होरा. एक होरा पार्ट आता है, मैं सिखाऊंगा कोर्स. ठीक है. होरा के बारे में पता है? हर दिन में होरा होता है अलग अलग प्लैनेट्स. ठीक है. हाँ जी सर. तो वो भी अपने आप में एक एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत सिंपल सा चीज है. उसका एक चार्ट मैं शेयर करूंगा. ओरा और केपी एक ही है ना? वो एक ही टाइप के है ना सर कुछ? केपी तो सिस्टम है. केपी इज द सिस्टम. ठीक है. जैसे तरीके से हम शैडो एंड पाइथागोरियन सीखते हैं ना, उसी तरीके केपी इज द सिस्टम. ठीक है. ओरा जो है वो उसको आप मुहूर्त समझ लीजिए. ठीक है. अच्छा अच्छा ठीक है समझ गया. मैं मिक्स कर दिया. तो ये जो हर दो घंटे में चेंज होता है ना? हाँ एग्जैक्टली, वो चेंज होता है. ठीक है. तो आपने बताया था किसी क्लास में. तो अब समझ में आया कि अगर मान लीजिए न्यूमरोलॉजिकली अगर आपको वो चीज स्ट्रगलिंग दिखाई भी दे रही है बट एस्ट्रोलॉजिकली इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है. और वहां पर थोड़ा वीक कर रहा है तो आप उसका नेम उस पर करके आप उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो, या रूबी पहन करके स्ट्रॉन्ग कर लो. मतलब डिपेंड करता है कौन सा प्लैनेट है. ठीक है. या कोई और जड़ी पहन के या किसी भी तरीके से करके आप उसको स्ट्रॉन्ग करो. सो यू हैव अ लॉट मेनी टूल्स. आपके पास एवेन्यूज बहुत ज्यादा है. इट इज यू हु हैज टू चूज. आसान है चीज. ठीक है. आई बात समझ? सो घबराने वाली कोई भी बात नहीं है. आप छोटी छोटी ये जो वीडियो को आप देखिएगा, दोबारा से देखिए, कोई छोटे मोटे कंफ्यूजन हुए आप मुझसे पूछिएगा. आई विल हेल्प यू आउट एज मच एज आई कैन. ठीक है. और दैट्स इट. अगर आप में से किसी को कोर्स करना होगा तो देन यू कैन ज्वाइन द कोर्स. कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 15th ऑफ दिस मंथ. ठीक है. इस 15 से दो कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं. ठीक है. एस्ट्रोनोमेरो कोर्स. ठीक है. एंड साइंटिफिक लोगो. ठीक है. ये दोनों कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं जिसमें से साइंटिफिक लोगो जो कोर्स है वो इस महीने का सिर्फ 4 सेशन होगा. 4 जो इस समय जो लोग रजिस्टर कर रहे हैं. ठीक है. उनको मैं ग्रफोलॉजी, बेसिक ग्रफोलॉजी फ्री में मैं दे रहा हूँ. ठीक है. तो वो कोर्स एक्चुअली नेक्स्ट मंथ में होगा. इस महीने कुछ उसके बेसिक्स बताए गए. ओवरऑल एस्ट्रोनोमी कोर्स इस महीने ही स्टार्ट हो जाएगा 15 से. सो अगर आपने किसी को भी करना होगा कर सकते हैं. नेक्स्ट मंथ मेरा होम वास्तु स्टार्ट होगा. होम वास्तु और साइंटिफिक लोगो दोनों चलेंगे. ठीक है. तो किसी को भी करना हो. और इसके अलावा भी छोटे छोटे कोर्सेज हैं, रिस्ट वॉच एंड क्लॉक एनालिसिस, यंत्रा मेकिंग, ये सब कोर्सेज आप चाहें तो कर सकते हैं. किसी को प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स भी करना है तो भी कर सकते हैं. अगर एस्ट्रोनोमी नहीं करना, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी सीखना है तो भी 15 से ही स्टार्ट होगा क्योंकि दोनों कोर्स एक ही साथ में स्टार्ट होगा. प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी भी एक ही कोर्स में है. ठीक है. और फिर उसमें एस्ट्रो का पार्ट आ जाएगा. टाइमिंग यही रहेगी सर? टाइमिंग इसकी टाइमिंग 9 बजे रहेगी, 9 से 10:30. अब वो एक्सटेंडेड वाला अब खत्म हो गया. अब एक्सटेंडेड नहीं होता. ठीक है. सो चलिए, थैंक यू सो मच.